So now, what is color and how it can be represented? So we say that color is basically light. Okay. Now, if we talk about color, color हमें सबको पता है क्या होता है? Something that has visual form, something that can be represented in more than one light form. In other words, we say कि जब रोशनी पड़ती है तो उसमें हमें different light के shades, different templates, different textures जो हैं वो नजर आते हैं. उसको हम कहते हैं कि this is basically color. So for example, जब हम कहते हैं कि red color है तो basically it's a shade of light which is reflected to us. So this light and basically is consists of what we call spectromagnetic waves. Okay. So we say it's a color is categorized by this wavelength of content of this light. Okay. So this color is basically measured or categorized by the wavelength. Okay. Is electromagnetic wavelength क्या है? Based on that wavelength, the color information is calculated. A laser light consists of a single wavelength. A ruby laser produces a bright scarlet red beam, वगैरह वगैरह. Most light sources produce contributions over many wavelengths. However, humans cannot detect all light, just contributions that are in visible wavelength range. In other words, इससे कि जितने color या light हमारे पास, वो दर हकीकत एक wavelength की सूरत में travel करती हैं. और ये light जो है, वो उस light के अंदर मुख्तलिफ किस्म के color मौजूद हैं, और उस colors की मुख्तलिफ ranges होती हैं. However, इंसान की आंख उन तमाम कलर रेंजेस को नहीं पहचान सकती. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इंटर के अंदर हमने फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म वाला. शायद अभी भी आज तक भी वही करवाया जाता है कि वो प्रिज्म रख के हम देखते हैं और लाइट पास होती है और लाइट ब्रेक हो जाती है डिफरेंट एंगल्स में. एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड. ठीक, कि वो जब लाइट उस प्रिज्म से पास होती है तो दरहकीकत दैट प्रिज्म हैज एन एट्रीब्यूट कि इट ब्रेक्स द लाइट इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ कलर की रेंज नजर आती है. अब दर हकीकत जब ये पूरी वेवलेंथ कंबाइन हो जाती है तो लाइट की सोर्स की इतनी वेवलेंथ बढ़ जाती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इतनी बढ़ जाती है कि हमें वो लाइट की कलर नजर नहीं आते डायरेक्टली बाय नेकेड आई. ठीक है, तो हमें एक खास स्पेक्ट्रम प्रिज्म वगैरह यूज करना पड़ता है ताकि उसको ब्रेक करके उसके मैं वेवलेंथ को कम करूँ और फिर मैं उन कलर्स को देख सकूँ. ठीक है, तो बेसिकली लाइट इज इन इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर एंड दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स दैट वी यूज टू डू. फिर हम कहते हैं व्हाट डज अ प्रिज्म से व्हाई डज अ प्रिज्म सेपरेट द लाइट. प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो वो प्रिज्म में से लाइट क्यों सेपरेट होती है? वी से प्रिज्म बेंड्स डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट. इन अदर वर्ड्स, जब लाइट उस प्रिज्म में से पास होती है तो ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि वह लाइट का हम वेवलेंथ मेजर करते थे. वो वेवलेंथ मेजर करने की वजह यह थी कि व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म ईच लाइट वेव then splits up based on the wavelength of the light. उसकी वजह से जब वो मुख्तलिफ एंगल्स में स्प्रिट होती थी तो मुख्तलिफ कलर्स जनरेट होते और फिर हम उनके वेवलेंथ जनरेट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, 700 पे अगर कोई लाइट जब बेंड होती है तो रेड कलर जनरेट होता है. फिर 600 पे 610 अप्रॉक्सीमेटली ऑरेंज, फिर इसी तरह से येलो ग्रीन, ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है. बट इन ईच ऑफ दिस कलर दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ और ये डिफरेंट वेवलेंथ पे बेंड होती हैं, जिसकी वजह से वो हमें एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है लाइट का. और ये प्रिज्म की वजह से होता है. प्रिज्म हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, रेनबो क्यों बनता है? लाइट तो हर जगह मौजूद है, पानी भी मौजूद है, पर व्हाई आफ्टर रेन देयर इज अ रेनबो? क्यों बनता है? जनरल मैं वैसे पूछ रहा हूँ. बिकॉज़ द रेन ड्रॉप्स व्हिच आर इन द एटमॉस्फेयर एक्चुअली. के अदर वर्ड्स कैन से बाहर अगर मैं पानी एब्सॉर्ब करूं पानी नहीं आता क्योंकि वो वाटर इसमें और भी रह जाता है. एंड इट रेन्स जो रेन ड्रॉप्स की एटमॉस्फेयर जो हवा माहौल में वो पानी की जो नमी की तादाद बढ़ जाती है, रेन ड्रॉप्स मौजूद होते हैं, तो जब उसमें से लाइट पास होती है तो वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल के तहत उनके वेवलेंथ में स्प्रेड है. क्योंकि रेन ड्रॉप्स की शक्ल स्फेरिकल होती है तो जब लाइट स्प्रेड होती है तो वो नेचुरली फिर एक स्फीयर फॉर्म में फॉर स्फीयर हो जाती है. यही प्रिंसिपल हमारे पास रेनबो के अंदर भी है. यही प्रिंसिपल आप नॉर्मल वाटर उठाओ तो उसके थ्रू भी अगर आप पानी को लाइट पास करो तो आपको स्प्रेड होती नजर आएगी लाइट. ठीक, सो अब आ जाते हैं ह्यूमन विजन पे. हाउ डज ह्यूमन परसीव दिस ऑब्जेक्ट कलर? इंसान आपका कलर कैसे देखता है? हाउ डू वी से कि यार इंसान ये तो लाइट हो गया कि भाई छोड़ो, और ये फिजिक्स की बेसिक चीजें,
usually I don't include this in exams, so don't worry about that. What you just need to understand how light works with respect to different principles. So wavelengths थोड़ी सी बातें जनरल हैं, ये भी समझो एक लिहाज से जनरल नॉलेज है, पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इंसान की आंख कलर्स को कैसे प्रसीव करती है. हाउ डू वी सी कलर्स, हमने कहा रियल में कलर्स आर हकीकत लाइट की बेस पे. तो रियल में इंसान की आंख के अंदर हम कहते हैं कि दो कंपोनेंट्स हैं. इंसान की आंख के अंदर हमारी जो आईज है, सबसे पहले हम कहते हैं आईज से देखते हैं, पर आईज को भी अगर हम फर्दर डायग्नोस करें तो आईज के बहुत सारे फंक्शंस हैं. उन फंक्शंस में से दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स. दीज आर टू पार्ट्स दैट आर एक्चुअली प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग कलर्स. इनका मखसूस काम है कलर्स को आइडेंटिफाई करना. बाकी आंख के और बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, तस्वीर को आइडेंटिफाई करते हैं, डेप्थ वगैरह, ये फलाना चीजें. ये दो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, तो कुदरत ने इन दो को काम दिया है कि आप दो सेल्स बहरे भाई, आपका काम यह है कि आप कलर को आइडेंटिफाई करो. और प्राइमरली इन्हीं दो में से कलर की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है बाकी चीजों के साथ मिलकर, तो वो तस्वीर दिमाग पूरी मुकम्मल करता है. कॉन्स एंड रॉड्स, ये दो एरिया कहलाते हैं. इसमें रॉड्स जो एक एरिया है RODS, ये सेल का नाम है, मेम्ब्रेन का नाम है. दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन वेरी लो लाइट. इन अदर वर्ड्स, जब रात में लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें हल्के से ऑब्जेक्ट्स दूर दूर नजर आते हैं हमें घर में. एक तो वैसे भी नजर आता है थोड़ी देर के बाद, जैसी रोशनी, फिर हमने एक मोमबत्ती जलाई या दरवाजे से थोड़ी सी रोशनी आई तो हमें ऑब्जेक्ट्स रूम के नजर आने लग जाते हैं. पर नोट करो, उन ऑब्जेक्ट्स का कलर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता. ठीक, राइट. फॉर एग्जाम्पल, चांदनी रात है, रात को आप बाहर बैठे हैं, लाइट चली गई, तो आपको इर्द गिर्द की घर वगैरह सब नजर आ रहा है, पर उनके कलर्स आपको आइडेंटिफाई नहीं होंगे. ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, इस हद तक कि गाड़ी का कलर रेड होगा आपको वो भी ब्लैक नजर आएगा, गाड़ी नजर आएगी, कलर आपको पहचान नहीं पाओगे कि वही रेड है. वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट्स की प्री विजुअलाइज्ड इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई होती है. घर के अंदर बैठे तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे फर्नीचर का कलर क्या है, तो वो दिमाग में मेमोरी में चीज फीड की हुई है. तो इवन दो मुझे उसका कलर पता नहीं चलता, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में मुझे पता है कि इसका कलर येलो है, वो एक अलग चीज. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ बैठे हैं, लाइट ऑफ कर दें, हमें पता होगा कि बोर्ड का कलर व्हाइट है, तो दिमाग पहले से एक वो एक अलग से तस्वीर जोड़ के बना लेता है पुराने माजी के साथ. लेकिन दर हकीकत जब लाइट चली जाती है, बिल्कुल लो लाइट होती है, अंधेरा होता है, रात का टाइम होता है, तो या तो हमें बिल्कुल नजर नहीं आता, लेकिन जब हल्का से नजर आने लग भी जाए थोड़ी देर के बाद, जब आंखों की रोशनी की बिहाफ होती है, तो वी सी ओनली व्हाट वी से शेड्स ऑफ ग्रे एंड व्हाइट और ब्लैक. वी से ओनली वी सी द शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, बेसिकली बिकॉज रॉड्स आर द पार्ट ऑफ आई दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज वेरी लो लाइट. जब रोशनी बहुत कम हो जाती है तो ये पार्ट हरकत में आता है और ये ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, पर कलर को नहीं, सिर्फ उसको ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है. यही वजह है कि रात को हमें ऑब्जेक्ट्स के ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं. तो अंधेरे में बिल्कुल रोशनी नहीं, हल्की सी मोमबत्ती जलाई दूर से, उसकी रोशनी दूर तक कैरी हो रही है, दरवाजे से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, तो हमें जो एनवायरमेंट डार्क नजर आता है उसमें हम कलर नहीं देखते. वजह उसकी ये कि वो रॉड्स दिखा रहा है, अब वो जो खाका है वो तस्वीर वो रॉड्स बना रहा है, तो रॉड्स के पास कलर को समझने की सलाहियत नहीं है, समझो. वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखते हैं, उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के हिसाब से वो पूरे ऑब्जेक्ट्स को जो है शेप देने की कोशिश करता है, ताकि हमें थोड़ी नजर में आता रहे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है हमें नहीं पता चलेगा. फिर वहीं पे दूसरा पार्ट आता है कॉन्स. कॉन्स दर हकीकत एक ऐसा कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द थ्री प्राइमरी कलर्स RGB. जो तीन कलर्स हमें हमारी आंखें देखती हैं दर हकीकत, वो इन RGB कलर्स की कॉम्बिनेशन, वो कॉन्स हमें दिखाता है. दिस कॉन्स पार्ट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट, और रोशनी को बहुत सेंसिटिवली बहुत एक्यूरेटली जज करता है. तो जो प्रिज्म का एग्जाम्पल दिया उसका मकसद ये था कि जिस तरह से प्रिज्म लाइट को तोड़ देती है और स्प्लिट कर देती है डिफरेंट वेवलेंथ में, और जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है, इसी तरीके से कॉन्स भी एक सेल मेम्ब्रेन है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट को तोड़ देता है डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर, और उसकी बेस पे वो कलर्स खुलकर उसके पास आ जाते हैं और वो कलर्स को रीड करता है. वो रेड्स को अलग पहचानता है, ग्रीन्स को अलग पहचानता है, ब्लूज को अलग पहचानता है, और वो मेम्ब्रेन दर हकीकत प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट.
these different wavelengths of color, and that part is basically responsible for showing us the actual colors. कौन सा पार्ट? तो दर हकीकत आईज के अंदर ये दो पार्ट बनते हैं, हम कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स. रॉड्स उस वक्त हरकत में आता है जब रोशनी बिल्कुल कम होती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो हरकत में आके बिल्कुल हमें लो लाइट में भी ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की सलाह देते हैं. कॉन्स वो ऑब्जेक्ट पार्ट है जो जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है तभी हरकत में आते हैं, या जब थोड़ी सी भी रोशनी होती है तो कॉन्स हरकत में आते हैं और वो फिर ऑब्जेक्ट की लाइट की बेस पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इस रॉड्स के कॉन्स के अंदर तीन चीजें हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू. कहते हैं कि तीनों अलग अलग सेल्स मौजूद हैं, रेड के अलग सेल्स हैं, ग्रीन के अलग सेल्स हैं, ब्लू के अलग सेल्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? व्हाट दे डू इज दे क्रिएट समथिंग ऑफ अ ग्राफ. वो एक ग्राफ बनाते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रीनरी ग्रीन एरिया में मौजूद हूँ, पार्क में, जहां हर तरफ हरियाली है, ग्रीन एरिया है, ऊपर ब्लू है, तो ऑटोमेटिकली जो लाइट हमारी आईज में जाएगी तो वो क्या करेगा, वो उसको जो ग्राफ बनाएगा वो उसमें ब्लू और ग्रीन उसके दो बड़े कर्व रखेगा और रेड के जो कर्व है उसको छोटा कर देगा, ताकि आपको मैक्सिमम आपकी आईज जो है ब्लू एंड ग्रीन देख लीजिए. इसी तरीके से आप डेजर्ट में चले गए, थर में, अभी बारिशों के सीजन में नहीं, गर्मियों के फुल सीजन में, ठीक है, जिसमें कोई बारिश नहीं हुई, तो एवरीवेयर यू सी इज येलो 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 येलो, हेंस वहां पे ऑटोमेटिकली ब्लू का शेड नीचे हो जाएगा, क्योंकि ब्लू बहुत कम है, सिर्फ आसमान अगर है या वो भी गर्द से हमें येलोइश ऑरेंजिस नजर आता है. फिर उसमें जो वो शेड मैच करेगा वो रेड और ग्रीन के पिगमेंट्स को आपस में मैच कर मिला देता है, जिससे कर्व कुछ ऐसे बनेगा कि रेड और ग्रीन एंड रेड सॉरी वो मिक्स हो जाते हैं और उसकी कॉम्बिनेशन से येलोइश का शेड बन जाता है, ब्लू अलग हो जाता है, हेंस हमारी आईज वो येलो शेड ज्यादा देखने लग जाता है. ये हकीकत में इस तरह से इंटरनली ग्राफिक बनता है, मेजर किया जाता है कि रेड का अलग कर्व है, ग्रीन का अलग कर्व है, ब्लू का अलग कर्व है. जो कलर आप देख रहे हो उस हिसाब से आपकी आईज हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने कलर्स को एक ग्राफ की सूरत में मैच करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि हम कहते हैं कि कॉन्स परसीव रेड ग्रीन ब्लू ब्लड अब्सॉर्प्शन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, आगे चल के मैं बात करता हूं. यही वजह है कि हम कहते हैं कि आप अगर घूमने फिरने जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहां हरियाली हो, या ऐसी जगह जाओ जहां बहुत ठंड, मतलब इन टर्म्स ऑफ समंदर वगैरह. वजह यह है कि ये कलर्स बड़े सॉफ्ट कलर्स कहलाते हैं. जब हम इन एरियाज में जाते हैं तो नेचुरली हमारी आईज जो है वो एक बड़ा स्मूथ एंड सॉफ्ट कर्व्स बनाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन उसके कलर्स बड़े अच्छे बनते हैं, तो वो आईज को सुकून देते हैं, वो दिमाग को सुकून देते हैं, क्योंकि कलर्स जो है ये एक मेंटली इंटरनली टेक्निकली इस तरह से कर्व बनाते हैं. तो जितना नॉर्मल नेचुरल कर्व बनेगा उतना ही दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिलता है. ठीक है, अभी मैं इस पर और आगे बात करूंगा कि कलर की क्या खासूसियात है. फिर इसी वजह से एक डिजीज बनती है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज अ प्रॉब्लम जहां पे काफी लोगों को सही तर्ज पर कलर्स को पहचानने में मुश्किल होती है. अक्सर लोगों को ब्लू समझ में नहीं आता, ग्रीन समझ में नहीं आता. अक्सर लोगों को ब्लू लगता है कि ग्रीन है, रेड लगता है कि ब्लू है. ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस एक प्रॉपर डिजीज है. उसकी वजह यह है कि उसके जो पिगमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, तो वो प्रॉपरली कर्व हमारा ग्राफ आईज के अंदर नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से कलर डिस्टॉर्शन अकर हो रही है, जिसकी वजह से वेरियस कलर इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो रही है. इसको पहचानने का एक टेस्ट हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस का. फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा नंबर है? एट है. तो रेड रेड नहीं, नंबर में पूछा आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है इसमें? यल्ला ये नंबर कौन सा बना हुआ है इसके अंदर? ये नंबर नजर आ रहा है 5 9 5 5. अब ये 9 कह रही है, 5 कह रही है, 8 कह रहे हैं. 5 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
ठीक है, इसीलिए जिन्होंने गलत बताया उनको मैं बख्श रहा हूँ। लेकिन ये टेस्ट एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट टेस्ट होता तो ये शायद इसको हम पूरी स्क्रीन से ले आते हैं ताकि आपको एक ही फिगर नजर आए तो फिर उसमें कलर को डिस्टिंग्विश करना आसान रहता। अभी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मल्टी कलर आ गया तो फिर ये टेस्ट की थोड़ी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, फिगर बहुत छोटी है।
उसूलन ये टेस्ट प्रोफेशनली कंडक्ट किए जाते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेसिफिकली इफ यू गो इनटू एरोनॉटिक्स फ्लाइट पाथ्स और फ्लाइट प्लेन के अंदर जब आ जाएं वहाँ पे आइस के रिगरस टेस्ट किए जाते हैं, एंटायर फ्लाइट शेड्यूल्स बेसिकली डिपेंड ऑन योर आई साइट, तो वहाँ पे आपसे इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट करवाया जाता है। और इसमें टेस्ट क्या हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि आपके आइस कलर ब्रांड तो नहीं है, तो पूरा बॉक्स विद रेड कलर के शेड से भरे हुए हैं, सिर्फ एक 5 डिजिट है जो है ग्रीन से लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक 5 है जो ग्रीन से लिखा हुआ है। अब इसका होगा ये, अगर ये पूरी इमेज पे होता तो दर हकीकत इतना रेड है और आपकी आईज जो है वो ऑटोमेटिकली रेड का ग्राफ बनाने लग जाएगी, तो रेड का ग्राफ हाई हो जाएगा, उस रेड के ग्राफ में कंट्रास्ट में उन्होंने ग्रीन रखा है। तो ये ग्रीन जब हमें नजर, अगर कलर हम ब्लाइंड नहीं है, सही है, आईज हमारी सही से काम कर रही है, तो हमें अल्फाज बिल्कुल वाजह तौर पर पता चलेगा यार रेड है, ये ग्रीन का शेड है इसमें। अगर थोड़ा सा भी पिगमेंट में गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि कैन वी माइट हैव सम प्रॉब्लम। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, अब से नजर आया भाई मेरे, जल्दी दे यार पता चला कल अगर सर आपने कहा ये साइड खराब है मैंने तो ठीक। अब ये फॉर एग्जांपल 6 अगेन बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज ग्रीन, सिर्फ एक हल्के से ऑरेंज और येलो शेड में हमने टेक्स्ट दिया है। इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस कलर अप्रोप्रिएटली वी शुड बी एबल टू सी अ नंबर सिमिलर विद दिस, ठीक है, ठीक है, लाइक इट्स अ 9 घड़ी नहीं, दिस इज अ टेस्ट। ऑब्वियसली इस तरह के बहुत डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, समटाइम्स दे पुट सम शेप्स इनसाइड इट कि भाई एक ईगल का शेप है या एक बिल्डिंग का शेप है, तो कैन यू आइडेंटिफाई दिस शेप अमंग द कलर्स टू नो कि हाउ वेल यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे वो चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो है आप कलर्स को पहचानने की सलाहियत आप में माकूल तरीके से है नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनमें कलर की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है, वो कलर्स को बखूबी नहीं पहचान पाते। फॉर एग्जांपल कहते हैं गाय को लाल कलर तेज चितो गनोर है, पर लाल उसको नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। मैंने कलर की बात की थी मेरे भाई पिजन, अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा कि अक्सर एनिमल्स को कलर को पहचानने की सलाहियत नहीं होती। ऑब्वियसली वो जो आप पॉट कर रहे हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि उनको अपने घर का और पता होता है कि मैं किस पिंजरे किस रिहायश वगैरह से रहता हूँ, ठीक है, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा कि उनको अपने घर का पता रहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कलर्स को पहचान सकता है नहीं पहचान सकता। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन एनिमल्स, जैसे स्नेक को भी कहते हैं कि अक्सर कलर वाजह तौर पर नजर नहीं आते, वो भी ग्रे ब्लाइंड है, उसको ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं पर कलर नजर नहीं आते। गाय जैसे हम कहते हैं कि उनको भी ये पिगमेंट्स उनमें नहीं पाए गए इसकी बेस पे, तो उनकी आईज को जब एनालाइज किया गया तो दे फाउंड दैट दे डोंट हैव दीस पिगमेंट्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स व्हिच इन ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल एंड इन देम दे कुड नॉट फाइंड, साइंस ने कोई असर नहीं पाया, उसकी वजह से वो कहते हैं कि सिर्फ शायद कलर ब्लाइंड होंगे, इनको एक ही कलर नहीं आते, एक कलर के शेड्स नजर आते, ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थोड़े एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, आरजीबी। अब यहां तक जो था बेसिकली सारा थोड़ा जनरल नॉलेज की चीजें थी, सिर्फ जो चीज याद रखने वाली है कि आइस के अंदर ये दो पार्ट्स हैं, एक रॉड्स एंड कॉन्स, दीस टू आर रिस्पांसिबल। रॉड्स लो लाइट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स, ठीक। उसके बरक्स कॉन्स जो है वो तीन, उसके अंदर तीन अलग से एक और सेल्स होते हैं, हर सेल आरजीबी के हिसाब से काम करता है, हर सेल हम कहते हैं कि अलग से ग्राफ बनाता है जिसके तहत वो कलर्स को पहचानने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं आरजीबी के ऊपर, ठीक। अब आरजीबी क्या चीज है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, इसके ऊपर हमने प्रीवियसली भी काफी गुफ्तगु की हुई है कि भाई आरजीबी के हिसाब से रेड ग्रीन एंड ब्लू ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं फॉर डिजिटल स्क्रीन। इनको हम कहते हैं दिस इज एन एडिटिव कलर, वी से दिस आर बेसिकली एडिटिव कलर, व्हाई, बिकॉज व्हेन एवर वी कंबाइन द टू प्योर फॉर्म वी गेट अ पॉजिटिव कलर। इन अदर वर्ड्स वी से जब मैं इसके दो लाइट ग्रीन लाइट ब्लू लाइट येलो मिक्स करूंगा या लाइट रेड मिक्स करूंगा तो मुझे उसके नतीजे में और लाइटर कलर मिलेगा, लाइट ग्रीन लाइट ब्लू मिक्स किया तो और लाइट कलर मिला, लाइट ग्रीन लाइट रेड मिक्स किया तो और हल्का येलो कलर मिला, ठीक है। तो ये कहलाता है पॉजिटिव कलर, पॉजिटिव एडिशन जिसे हम कहते हैं, ऐड होके पॉजिटिव बन जाता है कि दो हल्के कलर मिला हल्का हुआ, ऐसा नहीं कि दो हल्के मिला तो डार्क हो गया,
वो अलग अलग होता है. इसको हम कहते हैं दिस इज एन एडिटिव कलर बिकॉज व्हेन टू प्योर सिंपल कलर्स आर मिक्स्ड उसके नतीजे में वैल्यू उसकी जो है वो पॉजिटिवली और लो हो जाती है. कलर की डेप्थ हमारे पास और लो हो जाती है. इन अदर वर्ड्स हमें पता है कि जीरो रिप्रेजेंट्स डार्क कलर, 255 रिप्रेजेंट्स ब्राइट कलर. मैंने पहले भी बात की है. तो इसका मतलब जब आप 100 प्लस 100 करोगे तो आप और ब्राइट की तरफ जा रहे हो. 255 मतलब 200 हो गए तो आप और हल्के कलर की तरफ जा रहे हो. तो इसको हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव कलर. दो चीज को ऐड किया, रिजल्ट हमें पॉजिटिव आया, आप पॉजिटिविटी के जा रहे हो. आपको अगर डार्क कलर लेना तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. इसी तरीके से आरजीबी मॉडल के अंदर वी गेट एडिटिव कलर बिकॉज इफ वी एड 000 वी गेट 0 एंड वी गेट प्योर ब्लैक. ठीक, मैंने रेड का 0 उठाया, ग्रीन का 0 उठाया, ब्लू का 0 उठाया, ऐड किया ब्लैक. मैंने इसमें से सिर्फ रेड को 255 कर दिया. Hence, I get what we call pure red. इसको हम कहते हैं this is the purest red where the red value is 255 and green and blue is 0. Means इसमें कुछ भी हमने involve नहीं किया technically. इनको 0 रखा और सिर्फ red को 55 किया तो अब मुझे pure red मिला. Obviously ये involve हो रहे हैं. इनकी dark values और इसकी brighter value मिलके हमें pure red color दे रही है. This is why it is called additive color. कि pure red achieve करने के लिए मैंने इन दोनों को 0 पे रखा बिल्कुल मिनिमम और इसको मैक्सिमम कर दिया तो मुझे प्योर मिला. सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल लॉजिक. इसी तरह से ऐड सम ब्लू, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लू ऐड किया, ऑटोमेटिकली कलर आपका पिंक शेड में आना शुरू हो गया. ठीक है. इसी तरीके से हाउ टू मेक प्योर व्हाइट, मैंने तमाम कलर्स उठा के व्हाइट कर दिया. 255 ऑफ रेड, 255 ऑफ ब्लू, 255 ऑफ ग्रीन, आई गेट अ प्योर व्हाइट कलर. ये स्टैंडर्ड एक अप्रोच है जिसके तहत हम कहते हैं आरजीबी है. और आरजीबी के ऊपर मैंने प्रीवियसली भी बात काफी की हुई है कि भाई इट्स अ पॉजिटिव कलर, इट्स एन एडिटिव कलर, लेकिन इट इज ऑल्सो डिजिटल कलर एज वेल. कि जितनी भी हमारे डिजिटल मीडिया है, डिजिटल प्रिंट है, डिजिटल स्क्रीन्स हैं, एवरीवेयर वी यूज दिस आरजीबी कलर मॉडल. आवर वेबसाइट्स बेसिकली आर केपेबल ऑफ शोइंग आरजीबी, आवर कंप्यूटर स्क्रीन्स बेसिकली डिस्प्ले आरजीबी कलर्स और बेस्ड ऑन आरजीबी कलर्स. और मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स वगैरह हर चीज़ जो है प्राइमरीली दे आर एबल टू डिस्प्ले अस आरजीबी कलर मोड. हम जितनी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं वो सब आरजीबी है. ठीक है. मैं भी सीएमवाई के पे आता हूँ. उसके बाद एक और कलर मॉडल है जिसके ऊपर अभी तक हमने ज़्यादा तस्करा नहीं किया, दैट इज सेट टू बी एचएसबी. एचएसबी स्टैंड्स फॉर ह्यू सैचुरेशन एंड बेस या ब्राइटनेस है. नाउ दिस इज अ कलर मॉडल दैट वी से इज बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमन परसेप्शन. ह्यूमन परसेप्शन मीन्स कि ये वो एक कलर मॉडल है कि जिस तर्ज पर इंसान कलर्स को थोड़ा देखता है, पहचानता है और समझने की कोशिश करता है, उसी तर्ज पर इस मॉडल को बनाया गया है. इस मॉडल के तहत ह्यू, सैचुरेशन और बेस या ब्राइटनेस जो है वो तीन मुख्तलिफ पैरामीटर्स रखे गए. ह्यू टेक्निकली कलर को कहते हैं. ह्यू इज ए प्रॉपर्टी और बेसिकली इज विच रिप्रेजेंट्स व्हाट वी कॉल कलर. हेंस ह्यू इज कलर. So when we change hue, technically we are changing the color based on brightness and saturation impact. So दोनों के मिला के इसी तरह से saturation basically defines the strength of your color. That how strong is your color. Strong से मतलब कि आपका color कितना शोफ है या कितना white है. देखो एक pure white हो गया, saturation उसके हमने बिल्कुल zero कर दी, grey हो गया, खत्म कलर, या उसमें बिल्कुल शोकी दे दी. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मेरे पास एक ग्रीन है, पर ग्रीन के भी मुख्तलिफ शेड्स हैं. एक हम तक आया डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, एक वेरी लाइट ग्रीन. पर उस लाइट ग्रीन के अंदर भी हम कहते हैं यार ये बड़ा शोक कलर है जो आंखों को थोड़ा चुभता है, जिसमें हम लेते हैं यार ये बड़ा आइस में से हमें लग रहा है बहुत ब्राइट है, ग्रीन चाहिए पर थोड़ा हल्का ग्रीन. दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन. मींस उसके अंदर परसेंटेज ऑफ ग्रेनेस जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम है. जितनी ज्यादा ग्रेनेस डालूंगा उतना कलर फीका होता जाएगा. हमने यार कलर डल करो, डल है, फीका फीका कलर है. डल फीका फीका का मतलब उस कलर में ग्रेनेस ज्यादा है, उसमें ग्रे डार्कनेस आपने ज्यादा डली, उसमें से आपने रोशनी निकाल दी तो वो कलर फीका हो गया. फोटोशॉप में फॉर एग्जाम्पल जब हम काम करते हैं तो मुझे किसी भी तस्वीर को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, मैं सिंपली उसकी सैचुरेशन पैरामीटर को नेगेटिव कर देता. मींस कि उसमें से सारी रोशनी, सारी कलर की वैल्यूज, सारी कलर, इट्स कलर मौजूद है
पर कलर की जो एक इंटेंसिटी है, शोखी है, उसको हमने खींच के निकाल दिया, जिसकी वजह से कलर फीका फीका डल ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है कि हमें मुख्तलिफ कलर्स, हालांकि ब्लैक है तो कभी कभी हम कहते हैं यार ये बड़ा जबरदस्त ब्लैक है और ये बड़ा मॉडेस्ट ब्लैक है, दिस इज वेरी ब्राइट ब्लैक, दिस इज वेरी डल ब्लैक, हालांकि ब्लैक है बट ब्लैक के भी डिफरेंट शेड्स हैं, रेड है तो रेड के भी डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रीन है। अब वो शेड्स इन टर्म्स ऑफ कलर नहीं, इन टर्म्स ऑफ हम सैचुरेशन के हिसाब से जज करते हैं कि कौन सा पैरामीटर जो है वो कितना शोक है या वो कितना ब्राइट होकर डल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ब्राइटनेस ओवरऑल लाइट के ऊपर डील करता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कैसे पड़ी है। तो अक्सर जगहों पर इसको लाइट कर भी रेफर किया हुआ है या ब्राइटनेस करके भी रेफर किया जाता है, हाउ ब्राइट इन टर्म्स ऑफ द सेंटर वाइट के हिसाब से ग्रे को मेजर कर रहा है वो, कि कितना आपका कलर ब्राइट हो, बहुत ज्यादा ब्राइट कर दिया तो आपका कलर पूरा वाइट हो जाएगा और ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम कर दी तो डार्क हो जाएगा। ये वही चीज है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम पिक्चर लेते हैं मोबाइल फोन से, अगर बहुत ज्यादा रोशनी है कैमरा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी है या आपके कैमरा पे लग रही तस्वीर कहीं से वाइट हो जाती है, वाइट हो जाती है, सूरज की तरफ रख के करते तो वाइट होते हैं, ब्लैक वाइट हो गए, पर वही रात के टाइम अंधेरे में खींची लाइट बहुत कम थी तस्वीर डार्क हो गई। तो रोशनी के ऊपर आपकी कलर की वैल्यूज इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड मॉडल HSB दैट बेसिकली डील्स, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इटसेल्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कलर, ये सिर्फ उस परसेप्शन पे बनाया गया कि विद बेस्ड ऑन द कलर लाइट, कि रोशनी के हिसाब से हम कलर को जज करें कि मेरी रोशनी बहुत ज्यादा है बहुत अच्छी है तो कलर्स मुझे ब्राइट नजर आएंगे, मेरी रोशनी बहुत डल है बहुत कम है तो मुझे ऑब्जेक्ट्स के कलर बड़े डल नजर आएंगे, उसी वही कलर होगा आपको डल नजर आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगेन इसका एक बड़ा जबरदस्त दिमाग में आया, हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, ठीक है आई एम श्योर शॉपिंग हर कोई करता होगा आजकल तो, ठीक है पहले होता था कि औरतें करती थी, आजकल हर कोई करता है। ठीक है, व्हेनेवर यू गो टू अ शॉप यू वुड फाइंड कि उन्होंने एक बल्ब नहीं 50 बल्ब लगाए हुए होते और सारे के सारे व्हाइट लाइट में लगाए हुए होते हैं। वजह क्या है कि जितनी ज्यादा, हालांकि एक बल्ब से भी शायद काम चल जाए, एक दो ट्यूबलाइट लगा दो काम चल जाएगा, पर वो 10 12 15 लगा के रखते हैं। व्हाई? बिकॉज द मोर लाइट देयर इज द मोर ब्राइट एंड कलरफुल एंड उभरे हुए कलर्स हमें नजर आएंगे। वही चीज जब घर जाके देखते हैं ना अपनी नॉर्मल सादा लाइट के अंदर तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है और बड़ाते हैं ये क्या लिया है, राइट? बिकॉज एट द शॉप हम कहते हैं यार दुकान पर तो बड़ी जबरदस्त लग रही थी, चमक रहा था कलर, घर पर आया तो फीका मजा ही नहीं आया, डांट पड़ गई क्या लेकर आ गया। वजह यह है दैट एट शॉप दे यूज सो मच लाइट कि आपको वही कलर जो है उभरे हुए नजर आने लग जाते हैं, वो ब्राइट हो जाते हैं। जब घर पर आते हैं तो हमने एक बत्ती जलाई हुई होती है, दिलाना होता है हमारा, इसमें व्हाट हैपेंस, हाँ सीरियसली बता रहा हूँ, यही चीज है। गोल्ड की शॉप पे जाओ, उन्होंने बहुत लाइट लगाई होती है क्योंकि आपको गोल्ड बड़ा शाइनी है, आपको लगेगा यार क्या खालिश सोना है आपके पास, जब घर जाके आप नॉर्मल लाइट में देखोगे तो वही आपको फीका लगेगा, भाई ये ले आए। वजह ये कि बिकॉज अवर आईज द वे वी सी लाइट, सादा रोशनी में हमें कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। यही वजह है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब हम बाहर निकलते तो हमें समा बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा और एकदम चमकता हुआ लगता है, एक तो ऑब्वियसली सफाई हो जाती है, ठीक। दूसरा वजह ये होती है कि बारिश की वजह से जो गर्द गुबार है वो डिक्रीज हो जाता है, वो जमीन पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से लाइट प्योर फॉर्म में आपके पास आ रही है और वो प्योर फॉर्म में ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें पता है कि रोशनी सीन से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से पूरी हर चारों तरफ रोशनी फैलती है। तो जब गर्द गुबार बैठ जाता है, डस्ट नीचे बैठ गई, अब सब चीजें धुल धुला के साफ हो गई, दीवारें भी साफ हो गई, दरख्त के ऊपर जो मिट्टी थी वो भी साफ हो गई, तो जब लाइट आती है तो लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा कर जब जाती है तो वो भी प्योर फॉर्म में टकराती है। अब मिट्टी नहीं है तो वो कलर अच्छा, इस वजह से वो इस सीन ऑटोमेटिकली ज्यादा ब्राइट हो जाता है, खूबसूरत बन जाता है। वो उस लाइट को प्रिजर्व करता है, पर उसकी नेचुरली एक वजह यह कि रोशनी आपकी बढ़ी आती है, वही सूरज की है, पर अब आपको लगता है कि ज्यादा खूबसूरत हो गया, रोशनी बढ़ गई है। वजह यह कि अब लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्वियसली जमीन पर भी पानी तो हमारा जमा होता है घुटने जितना, उसमें से भी पानी लाइट उतनी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से रोशनी ज्यादा हो जाती है। तो रोशनी ज्यादा होने की सूरत में वो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट हमें और ज्यादा खूबसूरत ब्राइट लगने लग जाता है कि यार आज बड़ा जबरदस्त मौसम हो गया। वजह यह कि रोशनी ज्यादा हो गई है। वही टाइम अगर आप फॉर एग्जाम्पल थर में किसी को जाने का इत्तेफाक हुआ बिफोर रेन और इमीडिएटली आफ्टर रेन, बिफोर रेन जाएंगे तो आपको गर्द गुबार मट्टी धूल पूरा आसमान आपको येलो नजर आएगा, ब्लू भी नहीं होगा।
बारिश हो रही है, बारिश के बाद दूसरे दिन आप जाके पहुंचो, आपको मौसम बड़ा खूबसूरत, ग्रीनरी अपनी जगह पे, ग्रीनरी ना भी दूसरे दिन दरख्त नहीं उगेगा, पर आपको मौसम उसी दिन का बड़ा साफ नजर आएगा, बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। वजह यह कि अब वो गर्दो गुबार बैठ गया, अब रिफ्लेक्शन लाइट की बढ़ गई जिसकी वजह से रोशनी ज्यादा हो गई, अब वो चीज आपको और वाजह तौर पर खूबसूरत नजर आ रही है। तो ये सारी हमारी आईज बेसिकली इसीलिए हमने कहा लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद तीसरा मॉडल एक आ जाता है जिसको हम कहते हैं CMYK, सायान, मैजेंटा, येलो, इनके। ये वो प्राइमरी मॉडल है जो कि दर हकीकत रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बाय रियल वर्ल्ड, बाय रियल लाइफ वी मीन दैट जो हमारे रियल वर्ल्ड कलर्स हैं, जो दर हकीकत फिजिकली हम एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं यार ये सायान, मैजेंटा, येलो, इनके हैं, ये CMYK कलर्स हैं। रियल में हमने कहा था पहले भी कि हम RGB इस्तेमाल नहीं करते, रियल जो हमारे कलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस शर्ट का कलर, दीवार का कलर, ऑब्जेक्ट्स का कलर, टेबल का कलर, हर चीज का फिजिकली जो कलर है वो CMYK कलर बेस्ड है। आपकी क्लोदिंग का, आपके चेयर्स का, आपके पेंट का, आपकी वॉल्स का, हर चीज का, आपके फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, जितनी भी चीजें आपकी प्रिंट होकर आती हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, एवरीथिंग दे यूज CMYK। ये हमारे पास फिजिकल रियल वर्ल्ड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली नेगेटिव कलर, दिस इज अ सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली उलट काम करता है। उलट ऐसे, आपने लाइट ब्लू उठाया, आपने मैजेंटा उठाया, आपने येलो उठाया, आपने इसका लाइटर वर्जन हल्का हल्का मिक्स किया, उसके नतीजे में कलर बन गया डार्क, जो कि RGB में और हल्का प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, CMYK में वो उलट हो गया। जैसा मैंने कहा कि 100 रेड का 100 ब्लू का ऐड करो तो आपके पास 200 ऑफ लाइट होना चाहिए, 200 वैल्यू आ गया, मतलब सफेदी के करीब। यहाँ पे उलट हो जाता है, वो डार्क हो जाता है कलर। इसीलिए इसको हम सब्ट्रैक्टिव मॉडल भी कहते हैं, इसको हम समटाइम्स नेगेटिव मॉडल भी कहते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ रियल वर्ल्ड मॉडल बेसिकली इज बेस्ड ऑन। और इसी वजह से कि उसके, और दूसरा इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ब्लैक। क्या आपने प्योर फॉर्म ऑफ साइन मिक्स किया, प्योर फॉर्म ऑफ मैजेंटा मिक्स किया, प्योर फॉर्म ऑफ येलो मिक्स किया, इन तीनों को प्योर 00 वैल्यूज मिक्स की, आपको ब्लैक नहीं मिलेगा। जो कलर मिलता है उसको हम कहते हैं इट्स अ ब्राउनिश कलर, इट्स नॉट अ प्योर ब्लैक। यूजिंग साइन, मैजेंटा एंड येलो यू कैन नॉट प्रोड्यूस प्योर ब्लैक। इन तीनों को मिलाकर भी आप किसी भी तर्ज पे, किसी भी वैल्यू पे आपको प्योर ब्लैक नहीं मिलेगा। जो डार्केस्ट कलर इसमें हमें मुयसर है वो होता है डार्क ब्राउन कलर। इन तीनों को अगर मैक्सिमम 00 वैल्यूज में मिक्स की तो जो कलर हमें मिलता है वो कहलाता है ब्राउन, डार्क बडी ब्राउन। यही वजह है कि इसके अंदर चौथा कलर ब्लैक अलग से रखा जाता है, वरना इस तीनों को मिक्स करके हम ब्लैक अचीव नहीं कर सकते। Whereas using RGB, we can very easily achieve this black color. RGB को इस्तेमाल करते हुए हम ये ब्लैक कलर बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। 000 तीनों को मिक्स किया, मैं ब्लैक मिल गया, यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि अगर आपके पास कलर प्रिंटर्स हैं घर के अंदर भी, या कभी शॉप पे, या कभी किसी के पास देखे हो, तो उसका अगर आप हुड खोलो तो उसके अंदर भी चार कार्ट्रेजेस साइन, मैजेंटा, येलो एंड चौथी ब्लैक की लगी हुई होती है। प्रिंटर शॉप पे चले गए तो वहाँ भी आपको ये चारों कलर नजर आएंगे। प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास चले गए, वहां भी आपको ये चारों कलर नजर आएंगे। तो जितनी भी हमारा फिजिकल कलर, कपड़े रंगवाने का कभी इत्तेफाक हुआ, ये चारों कलर यूज होते हैं, साइन, मैजेंटा, ब्लैक, प्योर RGB कलर इस्तेमाल नहीं होता। उनमें भी इसी कलर से शेड आपको नजर आएगा। तो न्यूज़पेपर, बुक्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, ईद कार्ड, जितने भी बैनर्स, ब्रोशर्स, लोगोज वगैरह, कैलेंडर, सब चीजें जो प्रिंटिंग में होते हैं, उन सब के अंदर साइन, मैजेंटा, येलो, फिर व्हाइट के लिए भी सबको होता है। हाँ, व्हाइट मिल जाता है, व्हाइट मिल जाता है, व्हाइट में इसकी सबकी 255 मैक्सिमम वैल्यू ऐड करते हैं, व्हाइट बन जाता है, ब्लैक नहीं बनता। इस वजह से ब्लैक चौथा अलग से इस्तेमाल किया जाता है, एक अलग से बना के कि भाई इसमें ब्लैक हम अगर मुझे ऐड करना तो मैं कर सकता हूँ, वरना प्योर नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमारे पास इस्तेमाल होती है प्रिंटिंग प्रेस वाले। अब दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे कि हाउ डज अ प्रिंटिंग प्रेस वर्क, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसकी अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि क्या होता है। अब प्रिंटिंग प्रेस, अगर किसी का कभी इत्तफाक हुआ हो काम करवाने का, या पेपर छपवाने का, या बैनर फ्लैक्स वगैरह, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस। अदरवाइज वी हैव बीन यूजिंग कलर प्रिंटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का अक्सर लोगों को इल्म नहीं है कि दर हकीकत जब प्रिंटिंग होती है फिजिकली,
तो एक पेपर के ऊपर सायान अलग से, मैजेंटा अलग से, येलो अलग से और फिर ब्लैक अलग से, चारों कलर्स अलग अलग जाके उसको प्रिंट करते, तब जाके फाइनल तस्वीर बनकर हमारे सामने आता। ये होता है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। उसूलन अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस के पास जा रहे हो जो अखबारों के अंदर होता है, वहां भी एक प्लेट बनती है, जब कहते हैं एक स्टील की एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर एक प्लेट बनती है स्टेंसिल की सूरत में, मोहर की सूरत में। जिस तरह से मोहर बनती है, इसी तरह से आपके पूरे टेक्स्ट की, पूरे न्यूज़पेपर की, पूरे आर्टिकल की, पूरे फ्लायर की, पूरे ब्रोशर का एक इतना बड़ा सा एक स्टेंसिल बनता है। अगर न्यूज़पेपर है तो इतना बड़ा स्टेंसिल मोहर बनेगी। फिर वो मोहर इस तरह से रोलर्स के ऊपर रखी जाती है, चार मोहरें बनेंगी, हर कलर की अलग मोहर बनती है। फिर वो पहले सायान की मोहर आपके पेपर पर लगेगी, फिर मैजेंटा की लगेगी, फिर येलो की लगेगी, फिर ब्लैक की लगेगी, तो आपका फाइनल पेपर रेडी हो गया। कभी अखबार की एंड में इस तरह का एक प्लस का साइन नोट करना। अक्सर अखबार मैगजीन के एंड में हल्का से बिल्कुल कोने किनारों पे इस तरह का प्लस का साइन विद अ सर्कल या एक सर्कल नीचे करके यूं होता है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हम मार्कर्स की सूरत में यूज करते हैं ताकि मैं एक्सिस को अपने प्लेट्स को मार्क करके मैच कर सकूं, ये चारों प्लेट सही जगह पे बैठी कि नहीं बैठी, और अगर कोई हिल रही है तो कौन सी हिल रही है। अगर थोड़ी सी भी 1.5 मिलीमीटर भी कोई हिल गई तो हम प्रिंसिपल एक कहलाता है कलर ब्लीडिंग का, वो होना चाहता है। कलर ब्लीडिंग मीन्स अक्सर पैनाफ्लेक्स प्रिंटर्स में आता है ना, वो येलो कलर थोड़ा सा निकला हुआ होता है या ब्लू कलर निकला हुआ होता है अखबारों में, अक्सर कावश के टी एन कावश में, इबरत में, उम्मत में, जो हल्के अखबार है उनमें अक्सर मिस्टेक ज्यादा होती है। जंग हो गया, डॉन हो गया, इनकी अभी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि वो पूरी प्रिंटिंग मैकेनिज्म उनका कंप्यूटराइज हो गया, मशीन्स भी उनकी अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। जो पुरानी मशीन्स हैं वो अभी भी हाथ की यूज होते हैं, वो हाथ से ही पूरा रोलर गोल गोल घुमा रहे होते हैं, तो वो एक स्टेंसिल निकलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वो अलग अलग एक एक मशीन, ब्लू की अलग, येलो की अलग, रेड की अलग। आजकल तो खैर अखबार वाले वो पूरी कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज कर रहे थे, तो उनका मैकेनिज्म अच्छा है। जो हल्के अखबार हैं या हल्के मैगजीन आते हैं उनमें हमें कलर ब्लीडिंग बड़े वाजे तौर पर नजर आती है। तो ये जो मार्कर्स लगाए जाते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई, मेक श्योर के चारों प्लेट्स अलाइन हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, एग्जैक्टली एट सेम पॉइंट और नॉट, एक पिक्सल का भी डिफरेंस ना हो, वरना फिर कलर ब्लीडिंग जो है वो अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। फिर समटाइम्स अगर आप प्रिंटिंग में जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपको किस कलर में प्रिंट करना है, वन टोन, टू टोन, थ्री टोन या फोर टोन, वन कलर, टू कलर, थ्री कलर या फोर कलर, वन प्लेट बनानी है, दो प्लेट बनानी है, तीन प्लेट बनानी है, चार प्लेट बनानी है। हर प्लेट के हिसाब से खर्चा अलग होता है। अगर आपने कहा यार मुझे सिर्फ वन टोन प्लेट बना के देंगे तो आपसे पूछेगा यार ब्लैक में दूं, ब्लैक बोल के ब्लैक में बनाएगा नहीं क्योंकि ब्लैक की इंक उसको महंगी पड़ती है। फिर वो बोलेगा यार मैं ब्लू में, फिर वो सिर्फ ब्लू का शेड मार देगा या सिर्फ ग्रीन का शेड मार देगा या सिर्फ येलो का शेड मार देगा, अगर थोड़ा सा डार्कर है तो सिर्फ ग्रीन का शेड मार देगा। तो एक सिंगल शेड में भी प्रिंट होता है, तो उसमें होगा आपकी पूरी तस्वीर सिंगल शेड में आएगी, एक सिंगल कलर के शेड, ठीक है। तो सिंगल कलर है तो समटाइम्स हम सिंगल कलर पर बनेगी उसकी भी स्टेंसिलिंग, वो सिर्फ एक ही प्रिंट छापेगी, एक ही प्रिंट आ जाएगी, सिंगल कलर पर माना जाता है। डिजिटल प्रिंटर्स भी इसी तरीके से ही काम करते हैं। जब आप प्रिंट करते हो कोई भी कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें अगर कलर प्रिंटर है तो कलर प्रिंटर के अंदर ये ड्राइवर्स में सेटिंग होती है कि आपकी इमेज के चारों चैनल्स अलग अलग कर देगा, आपकी इमेज के चारों कलर्स की अलग अलग तस्वीर बनाएगा, वो तस्वीर प्रिंटर को सेंड करेगा। तो पहले सायान पेपर जब पास होगा तो पहले सायान छपेगा, फिर उसी पेपर के उसी लाइन के ऊपर मैजेंटा, फिर ब्लू और फिर ब्लैक, फिर वो आगे निकलेगा। हेंस आपके रियल पेपर में भी कलर में भी सेम चीज हो रही थी, इसीलिए वो बड़ा स्लो प्रिंट निकल रहा था एज कम्पेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन मैं फिर एक ही पेज आ गया, लेकिन जब कलर आता है तो उसी एक एक लाइन एक एक हिसाब से पहले येलो प्रिंट हो रहा है, फिर उसके ऊपर सायान जा रहा है, फिर मैजेंटा जा रहा है, फिर ब्लैक आएगा और फिर इमेज बाहर आती है। ये रियल के अंदर भी होता है, रियल पे भी इसी वजह से चारों कार्ट्रिज अलग अलग होता है प्रिंटर्स के अंदर, ठीक। ये एक की पॉइंट है जिसका हमें याद रखना है कि भाई जब आरजीबी कलर डिजिटल कलर है स्क्रीन के ऊपर आता है, लेकिन जब उसको प्रिंट करेंगे तो हम सायान मैजेंटा येलो में आएगा। उमूमन ये होता है कि हमने तस्वीर बनाई, लोगो बनाया आरजीबी में, उसको जब आप प्रिंट कराओगे तो उसका कलर कंप्लीटली डिफरेंट आता है, उसका शेड डिफरेंट आता है, कलर मैच ही नहीं हो पाता। बहुत दफा ऐसा हुआ तो आपने प्रिंट बनाया कि स्क्रीन पे डार्क ब्लू आ रहा था, जब प्रिंट किया तो लाइट हो गया, आपने ग्रीन का शेड दिया था जब प्रिंट हुआ तो ब्लूइश का शेड आ गया, पिंक का आपने शेड रखा था जब प्रिंट हुआ तो ब्लू का शेड आ गया, पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है। बहुत दफा ऐसा हुआ प्रिंटिंग असाइनमेंट नोट्स अगर हम प्रिंट कराते हैं, मैंने डार्क मैरून लाइन रखी थी, जब प्रिंट होकर आई तो ब्लूइश का शेड आ रही है, अरे ये क्या है, तो ब्लू हो गई। वजह ये होती है कि जब हम बनाते हैं तो डिफॉल्ट में स्क्रीन के ग्राफिक्स आरजीबी मोड पे काम करते हैं,
जब इंक में प्रिंट होता है तो इंक में आरजीबी नहीं, वो साइन मैजेंटा पे आता है, हेंस वो फिर कलर मैच करने के नतीजे में कभी कभी टोटली इनवैलिड ऑपोजिट कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है इसके अंदर, फिर आरजीबी मैजेंटा, फाइनली रेड ग्रीन एंड ब्लू के प्योर फॉर्म को मिक्स किया मुझे व्हाइट मिलेगा, इसके प्योर फॉर्म को मिक्स किया मुझे ब्लैक मिलेगा। मैंने वही कहा कि उलट है, इसीलिए इसको हम सब्ट्रैक्टिव कलर कहते हैं, नेगेटिव कलर भी कहते हैं यार, उलट बेसिकली चल रहा होता है। आरजीबी प्योर फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था। यहां पे फिर एक और चीज आ जाती है, कलर गैमेट। कलर गैमेट से क्या मतलब? कलर गैमेट से मतलब ये कि मैंने आरजीबी से उठाऊं या सीएमवाईके से उठाऊं, आरजीबी उठाऊं या सीएमवाईके उठाऊं। रिमेंबर आरजीबी तीन कलर है, मींस थ्री बाइट्स के हिसाब से 256 × 256 × 256 अप्रोक्सीमेटली 1.67 मिलियन कलर, 16.5 लाख कलर्स अप्रोक्सीमेटली सिर्फ आरजीबी से हम अचीव कर सकते हैं डिजिटली, ठीक। क्यों? क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आरजीबी के हिसाब से रेड का 1 byte आता है, ग्रीन का 1 byte, ब्लू का 1 byte। तो रेड के 1 byte में 0 से 256 0 से 255 टोटल रेंज 256 आता है, 0 से 255 रेंज 256, 0 से 255 मीन्स 0 से 255 कलर्स के मुख्तलिफ शेड्स हम इसे 1 byte के अंदर दे सकते हैं, रेड के, इसी तरह से ब्लू के, इसी तरह से ग्रीन के। और जब इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो अंदाजे के हिसाब से 16.5 लाख कलर्स आप अचीव कर सकते हो सिर्फ आरजीबी के हिसाब से। और जब हम सीएमवाईके की बात करते हैं तो सीएमवाईके के अंदर भी इसी तरह से 256 ऑफ साइन, 256 ऑफ मजेंटा, 256 ऑफ 256 ऑफ येलो एंड देन 256 शेड्स ऑफ ब्लैक, एंड सब इसमें 4 bytes आ गए। अब अगर मल्टीप्लाई करो तो ये बिलियन में, मिलियंस मिलियंस में चला जाता है, 1.5-2 करोड़ कलर्स आए। तो एक्चुअली में साइन, मैजेंटा, येलो और ये वो रियल वर्ल्ड कलर्स हैं, ये वो कुदरत के कलर्स हैं, ठीक। ये वो करोड़ों कलर्स ने कंपोज किया हुआ, अभी तक तो हम उस पर पहुंच ही नहीं सके। ये हकीकत में अगर आप देखो, सिर्फ थर में आप चले जाओ तो मिट्टी के आपको ऐसे मुख्तलिफ शेड नजर आते, पहाड़ों पर चले जाओ तो आपको पहाड़ों में, श्रीनगर जाना हो पहाड़ पे कभी गाड़ी रोक के ऐसी हाइक करने ऊपर चले जाओ, आपको माउंटेन्स पहाड़ के ही मुख्तलिफ शेड नजर आएंगे। पत्थर एक उठाओ तो पत्थर में न जाने कितने कलर के शेड हैं, ठीक। अब इतने शेड्स हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो शेड्स हमें दर हकीकत नजर आ रहे हैं अभी भी इससे 10 गुना ज्यादा शेड्स हैं। मैंने कहा पत्थर उठाओ बड़ा खूबसूरत, दूर से पत्थर भी अगर कलर के हिसाब से जज करो तो उसमें भी बड़ा जबरदस्त कलर है। मैं तो पत्थर, अगर आप रूबी क्या कहते हैं उनको, जरकून पे आ गए, आपका वो अकीक हो गया, याकूब हो गया, इन पत्थर्स के कलर्स आप उठाओ, इसके शेड्स उठाओ, मार्बल्स के शेड उठाओ, ये वो शेड्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। दर हकीकत जो मैंने कहा कि अगर मैं 256 को मिलाऊं तो करोड़ों कलर्स बन सकते हैं रियल वर्ल्ड में। मैं आरजीबी को मिलाऊं 256 तो आरजीबी के हिसाब से सिर्फ 16.5 लाख कलर्स बनते हैं, लेकिन अभी भी इंसान की आंख इन तमाम कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। इंसान की आंख इतने में ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर के शेड्स को पहचानने की सलाहियत नहीं रखती। हमारी आईज का जो एक वेवलेंथ है वो एक मखसूस वेवलेंथ में आता है, एक मखसूस दायरेकार में आता है, उसी दायरेकार के अंदर रहते हुए ही वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उससे बाहर जाके वो नहीं करता। इस एरिया को हम कहते हैं कलर गैमेट, इस चीज को हम कहते हैं गैमेट, कि ये वो विजिबल रेंज है, वो एरिया है। अगर मैं कलर्स को पूरे को बिछा दूं, कि मैंने कहा ये 16.5 लाख कलर्स हैं, ठीक, ये मैंने कहा मैंने पूरे कलर्स बिछा दिए, मेरे पास 16.5 लाख कलर्स के शेड्स आ गए, पर इंसान की आंख इसमें से सिर्फ ये एरिया पहचानने की सलाहियत रखती है कि ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन में फर्क है, यहां के बाद और इधर तक कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा इस ब्लू में लाइट ब्लू से लाइट ब्लू से लाइट ब्लू, ये प्योर ब्लू हो गया, इधर के बाद इधर तक कोई फर्क हमें महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन स्क्रीन की वजह से, पर ये एक रफली आइडिया से साफ कि रेड है, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये पूरा एरिया हमारे लिए सेम ही है, ये जो ब्लू का शेड है वो यहां भी अवेलेबल है, तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो इस विजिबल रेंज को या इस कलर की रेंज को जिसको इंसान देख सकता है, इसको हम कलर गैमेट कहते हैं, और इसकी सलाहियत एक 1.25 लाख कलर से ज्यादा की नहीं है। इन अदर वर्ड्स, मैंने वही कहा कि अभी भी समझो अगर हम एक पत्थर उठाते हैं तो उस पत्थर में भी मुख्तलिफ शेड्स होंगे, हमारी आंखें उनको अभी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके देखने की सलाहियत नहीं रखती।
ठीक है। इसी तरह से आसमान में तारे हैं तो तारों के अपने कलर्स हैं, चांद का अपना कलर का पैटर्न है, हम लोग उसको एक सिंगल कॉम्बो में देख रहे हैं, हमारी आईज इतने ज्यादा कलर की वेरिएशन को पहचानने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। इस चीज को साइंटिफिकली हम कलर कैपिट कर रहे हैं, ठीक, याद अच्छी समझ में आई। चलें फाइनली एक चीज रहती है अल्फा चैनल, व्हाट डू वी मीन बाय अल्फा चैनल, अल्फा चैनल इज बेसिकली एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ कलर, या कलर तो नहीं कहने आजकल इमेज की प्रॉपर्टी या कि कलर्स के साथ ज्यादा इसका ताल्लुक नहीं है, पर ये क्योंकि यूज किया जाता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। अल्फा चैनल हम कहते हैं कि इट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये वो अलग से खास इंफॉर्मेशन है जिसके तहत आप एक इमेज के बारे में ये बता सकते हो कि आपकी इमेज कहां पर ट्रांसपेरेंट है और कहां पर विजिबल है। इन अदर वर्ड्स वी से यूजिंग दिस अल्फा चैनल प्रॉपर्टी, ये एक अलग से बाइट लेती है, एक एक्स्ट्रा बाइट है, इस बाइट के अंदर हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं कि मेरी इमेज दर हकीकत कहां पर ट्रांसपेरेंट है और कहां कहां विजिबल है। ट्रांसपेरेंट से मकसद कि फॉर एग्जांपल इफ आई से मेरे पास ये एक इमेज आ गई, इसमें ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्वियसली बैकग्राउंड में पूरे ट्रीज बने हुए हैं, यहाँ घर बना हुआ है, यहाँ रोड बना हुआ है, यहाँ पहाड़ वगैरह, इमेज इज कम्प्लीट। बट मैं चाह रहा हूं कि ये इमेज जब वेब पे डिस्प्ले हो या मेरे पेज पे डिस्प्ले हो, मुझे सिर्फ ये हजरत नजर आए, बाकी का पूरा एरिया ट्रांसपेरेंट गायब हो जाए, बाकी का पूरा एरिया गायब हो जाए। हमें पता है कि हम कोई भी इमेज सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट एवरी ऑब्जेक्ट एवरी इमेज इज रेक्टेंगुलर, तस्वीर आप कोई भी उठाओ होगी रेक्टेंगुलर की शेप, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज ये कि अगर आप जेपीजी सेव कर रहे हो तो ईच पिक्सल नीड्स सम कलर इंफॉर्मेशन, क्योंकि पिक्सल का पिक्सल तस्वीर बनती है, इसको कहा हर तस्वीर बिटमैप है, बिटमैप मींस मैप ऑफ पिक्सल्स, एवरी पिक्सल नीड्स सम कलर इंफॉर्मेशन, एवरी पिक्सल नीड्स सम कलर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप जेपीजी सेव करो, मैंने फोटोशॉप तस्वीर बनाई सिर्फ ये हजरत को रखा, बाकी सारे एरिया का पिक्सल हटा दिया, जब मैं सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं सिर्फ ये हजरत नजर आए, तो इसको हम फिर एक एडिशनल अल्फा चैनल बनाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखते हैं कि जब ये तस्वीर डिस्प्ले हो तो दर हकीकत इस तस्वीर का सिर्फ ये एरिया विजिबल हो, ये पिक्सल्स हो, ये पिक्सल्स हो, ये पिक्सल्स हो, रेस्ट एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब इसका अल्फा मास्क बनेगा दर हकीकत वो ऐसा बनेगा कि एवरीथिंग विल बी ब्लैक, सिर्फ ये एरिया जो है ये वाइट होगा, ये एरिया वाइट होगा, बाकी सारा ब्लैक। This means कि वो area here है, सिर्फ here जाना बचा बाहर है, मैं सिर्फ पूरे यहाँ को ब्लैक कर दिया, वहाँ जाना for example object के बीच में भी मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, मैं इसको रॉस कर लूँ, जब मैं देखता हूँ वो यहाँ बचा रहे हैं वो देखो, इसको कहते हैं alpha mask, इसको हम कहते हैं alpha channel, ये वो additional information है about an image, कि image का कौन सा area transparent है और कौन सा एरिया विजिबल होना चाहिए। ये एक अलग से वन बाइट का इमेज सेव होती है ब्लैक एंड व्हाइट करके, दैट कंटेन्स व्हेन इट डिस्प्लेड इट गिव्स यू दिस इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन हम अमूमन फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं, एडोब प्रीमियर में इसका इस्तेमाल होता है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, 3D मैक्स में इसका इस्तेमाल होता है, माया के अंदर इस्तेमाल होता है, जहां पे मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाना है बाकी एनवायरमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाए। ब्राउजर इस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता अल्फा चैनल के, ठीक है, ब्राउजर्स आपका नहीं करता, ये डिपेंड करता है कौन सी एप्लीकेशन इस चौथी इंफॉर्मेशन को पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, तो हर एप्लीकेशन इसको सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर वी वुड बी कमिंग अक्रॉस सर्टेन एप्लीकेशंस वेयर वी वुड लाइक टू यूज दिस। तो मैंने कहा कि अगर हम एडोब प्रीमियर पे जब जाएंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे फोटोशॉप में, इसको आई विल शो यू हाउ यू क्रिएट दिस इन फोटोशॉप, ठीक है। ये हमारे पास चौथा सा अल्फा चैनल आ गया। उसके बाद हमने गिफ इमेजेस के ऊपर एक बात की थी CMUTs की, उसका थोड़ा सा मैं रेफरेंस यहाँ पे देना चाहूंगा कि क्या चीज है। जब हमने गिफ इमेज पढ़ी थी, मैंने गिफ इमेज के अंदर कहा था कि यार दर हकीकत ईच गिफ इमेज इज ओनली 8 bit, ठीक, 8 bit की वजह से उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 0 to 256 आती है, 0 to 255 तक, हेंस ओनली 255 कलर्स उस एक तस्वीर के अंदर हमारे पास आ सकते हैं जो हम गिफ के थ्रू बनाते हैं। हर गिफ के थ्रू बनाई गई तस्वीर के अंदर सिर्फ 255 कलर्स आते हैं, ठीक है।
अब मसला ये कि अगर ऐसा मैंने किया तो कलर्स को अगर लिमिट किया तो मेरी तस्वीर गिफ्ट का तो फिर कोई फायदा ही नहीं बचा, तो सिर्फ 255 कलर्स आ गए। पर आज तक भी GIF इमेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब फॉर्मेट फॉर जितनी भी वेब के ऊपर ग्राफिक्स बनती हैं आज तक भी 80% अगर आप वेब डिजाइनिंग में जा रहे हैं, डेवलपिंग नहीं डिजाइनिंग में, तो उसमें जब हम डिजाइन वेबसाइट की बनाते हैं तो वो भी पूरी की पूरी डिजाइनिंग आपकी GIF में कोशिश की जाती है GIF में बनाई जाती है। ठीक है, तो भले आप फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप है, ये पूरी डिजाइनिंग फोटोशॉप में होती है। मैं पूरी वेबसाइट का इनिशियल लुक, उसका इंटरफेस, उसके बटन मेन्यूज, उसकी थीम पूरी की पूरी फोटोशॉप में डिजाइन करता हूँ। फोटोशॉप नॉट ओनली फॉर इमेजेस, फॉर वेब डिजाइनिंग अगर कोई जाना चाह रहा है उसके लिए भी बहुत जबरदस्त एक टूल है। यू डिजाइन द वेबसाइट, अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जा रहा है तो उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन का पूरा सेटअप फोटोशॉप में होता है। कि आपका सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसका यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, 90% टाइम जब हम सॉफ्टवेयर बनाते तो इसी का ख्याल नहीं करते। एग्जैक्ट फॉन्ट, उसका बटन, उसका मेन्यू, आजकल एप्लीकेशन बननी है तो हाउ माई एप्लीकेशन शुड लुक लाइक, हर एप्लीकेशन का आपको इंटरफेस डिफरेंट नजर आ रहेगा। तो वो डिफरेंट कैसे आया, जितनी बड़ी कंपनीज हैं पहले वो बोलती हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें बैकएंड पे पर्पस बता देती हैं कि माय सॉफ्टवेयर शुड डू दिस, माय सॉफ्टवेयर शुड डू दैट, माय सॉफ्टवेयर शुड डू दिस, बट उसका फ्रंट एंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यूजर को कैसा नजर आएगा, वो अप्रूव करो, हमें दिखाओ कि हमारा फ्रंट कैसा, सॉफ्टवेयर कैसा लगेगा। कलर्स पिक्सल तो ऑब्वियसली एक अलग इशू है, पर कलर उसका थीम बटन कैसा नजर आए, किस मेन्यू पे आए, मैं जब पहले मेन्यू पे क्लिक करूं तो क्योंकि मोबाइल में बड़ी लिमिटेड स्क्रीन है, तो मैं जब फाइल पे क्लिक करूं तो मुझे क्या नजर आए, एक पॉपअप आ जाए या नया विंडो आ जाए या एक मेन्यू आ जाए, मतलब किस तरीके से विंडो नजर आए, उसकी पूरी डिजाइनिंग होती है। अगेन फोटोशॉप, ठीक है। तो अब खैर बात निकली कलर लुकअप टेबल से, तो कलर लुकअप टेबल दर हकीकत हम यूज करते हैं उन GIF इमेजेस के अंदर जो कि सिर्फ 8 बिट है। तो जब 8 बिट की इमेज को हम सेव करते हैं तो बेसिकली GIF क्या करता है कि उसके हिसाब से कलर लुकअप टेबल बनाता है, एक टेबल बनाता है दैट कंटेन्स 256 कलर्स, और फिर वो कलर उस टेबल में से वो मैप करता है पिक्सल बाय पिक्सल विद दैट पिक्चर, कि उसके पिक्चर पर में पिक्सल 1 पे कौन सा कलर होगा वो टेबल से उठाता है, पिक्चर 2 पे कौन सा कलर होगा वो टेबल से उठाता है, 3 पे कौन सा कलर है वो टेबल से उठाता है। वो कलर को पिक्सल के ऊपर डायरेक्टली असाइन करने के बजाय एक टेबल बनाता है और टेबल में से कलर उठाता है। इसका एडवांटेज उसको ये मिलता है कि नाउ इट कैन हैव अ डायनामिक टेबल एंड इट कैन इंसर्ट एनी कलर इनटू इट्स टेबल। वो पिक्सल की इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकता पर वो टेबल की इंफॉर्मेशन को एडिट करता है, जिसकी वजह से हर GIF इमेज की एक अलग टेबल बनना लग जाती है, जिसकी वजह से हर GIF इमेज की एक अलग अलहदा इंडिविजुअल टेबल बनती है। Hence, we say that using that mechanism, GIF image can produce very good quality of images. जो हमने फिर एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है, उस वजह यह कि उसकी टेबल फिर हमारे पास चले बनती है। तो इसको हम कलर लुकअप टेबल भी कहते हैं, सिंपल LUT भी कहा जाता है, सिंपल LUT लुकअप टेबल या फिर पैलेट भी कहा जाता है, ठीक है, that you can create this palette और उसकी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया, ये सारी बातें हमने यहाँ भी कही हुई हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कलर, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर, सर ऐसी अभी एक क्लास हुई है ना, क्लास 3:30 तक है, माशाल्लाह। चलें अब आ जाते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर, ठीक। हिस्ट्री इसलिए कि यार थोड़ा सा कलर को समझना है कि कलर है क्या और कलर हम क्यों यूज करते हैं। इतना कलर अभी तो शुरू नहीं हुआ मैं कलर के ऊपर। वजह यह है कि एज अ मल्टीमीडिया ग्राफिक्स आर्टिस्ट, एज अ ग्राफिक पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कलर। यही फर्क है एक आम बंदे में और आप में। आप मल्टीमीडिया से रिलेटेड हो, आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो, आप इस फील्ड के प्रोफेशनल हो, तो आपको इस फील्ड की हर बारीकी का थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। कि एक आम बंदा अगर बैठा है दुकान पे, वो भी फोटोशॉप पे अगर काम कर रहा है, उसमें और आप में फर्क ये होगा कि आपको पता होगा कि आप कौन सा कलर क्यों किस लिए किस वजह से यूज कर रहे हो, ठीक है। वो आपको पता होगा कि पिक्सल क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल और रेजोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, अल्फा चैनल क्या है, ये प्रॉपर्टीज का आपको समझ में होगा कि मैं कलर को ब्राइट करूंगा तो उसका क्या फायदा मिलेगा, डल करूंगा तो उसका क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसकी और मैं भी बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, फिलहाल थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं।
ऑब्वियसली द हिस्ट्री इज नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगा कि भाई ग्रीक्स ने या रोमन्स ने कौन से कलर इस्तेमाल किए थे. इस ये चैप्टर इसमें बहुत कम चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो फॉर दैट डोंट वरी कि इस पूरे चैप्टर का आपको उल्टा मारना या पूरा पढ़ना होता है. मोस्टली समझे जनरल नॉलेज की टॉपिक्स हैं जितने अभी तक है. ये एज अ मल्टीमीडिया आर्टिस्ट यू शुड हैव दैट जनरल नॉलेज. ठीक है. हाँ एमसीक्यू मिड टर्म के हिसाब से इसमें सेंट्री क्यू दो चार निकल सकते हैं बड़े अच्छे से. ठीक है. सो गो थ्रू देम. जैसे जो की पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ यही सर यही अगर याद है CLUT पैलेट्स रॉड्स कॉन्स RGB CMYK एडिटिव सब्ट्रैक्टिव ये मेजर पॉइंट्स आते हैं जो कि आप एमसीक्यू से पूछ सकते हैं. बाकी लंबी थ्योरी में नहीं आ रहा. कलर इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री इफ आई टॉक क्विकली क्योंकि मैं फिर आज इस चैप्टर को पूरा करना चाहूंगा कि कलर केम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस विद माइंड बिकॉज ऑफ इट्स फ्राइटनिंग नेचर व्हेन इट सी ह्यूज मैमल्स अर्थ थिंग्स अराउंड इट. नोइंग स्ट्रेंज अबाउट दीज थिंग्स बिकेम दैट वी स्टार्टेड टू विजुअलाइज वी स्टार्टेड टू परसीव कलर विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन. जब हमने ऑब्जेक्ट्स को लोकेशंस को माउंटेन्स को पहाड़ों को देखना शुरू किया तो हमने कलर के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज किया और फिर उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कलर को इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की कि सूरज है तो सूरज का कलर गोल्डन है या येलो है. हमने उससे एसोसिएट किया कि अगर सूरज एक रोशनी दे रहा है तो उसका मतलब रोशनी का कलर येलो है. फिर हमने कहा सोना बड़ा खूबसूरत लगता है तो सोने का कलर गोल्ड कलर है तो वो अगर गोल्ड कलर है मतलब इस कलर का मतलब है कि ये सोना है. समझे कि ऑब्जेक्ट मेटल है उस मेटल का कलर गोल्ड है. Hence, वो गोल्ड कलर आप पेपर पे यूज करो तो भी हम कहते हैं सोने का पन्ना. हालांकि yes, सिर्फ कलर चढ़ा हुआ है. वही कलर मैंने तांबे के ऊपर चढ़ाया तो सोने का पानी चढ़ गया वैल्यू बढ़ गई उसकी. yes, तो कलर की वैल्यू है ये वजह कि वो कलर की वैल्यू है और उस कलर की वैल्यू को समझना है. ऑब्जेक्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है. आप कलर मुनासिब माकूल तरीके से इस्तेमाल करो आपकी इंफॉर्मेशन खुद ही अच्छी आ जाएगी. ठीक. हम कपड़े पहनते हैं तो कोशिश करते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे कलर पहने. नॉर्मल है तो नॉर्मल कलर स्पेसिफिकली देयर इज एन इवेंट इवेंट है तो इवेंट में कोशिश किया जाता है कि ब्राइट शो कलर्स पहने जाए ताकि आपकी खुद की पर्सनैलिटी एक इन्हांस होकर नजर आए. तो उसकी वजह यह है कि कलर की इंफॉर्मेशन है कलर में डेटा मौजूद है तो वही डेटा हमें समझना है. इसी हिसाब से हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इजिप्शियन ने कलर को इस्तेमाल किया मजहब के लिए. इजिप्शियन ने कलर का इस्तेमाल किया फॉर लाइट एंड शेडोज डार्कनेस के लिए अंधेरे को दिखाने के लिए ताकत को दिखाने के लिए ग्लूम को दिखाने के लिए पावर को दिखाने के लिए गुस्से को वैलर को बादशाहत को दिखाने के लिए कलर का उन्होंने इस्तेमाल किया. जहाँ पे उन्होंने गोल्ड कलर को इस्तेमाल किया था ताकत को दिखाने के लिए सर बादशाहत को और वहीं पे सफ़ेद कलर उन्होंने यूज़ किया था पस्ती को दिखाने के लिए. गुलामों को उन्होंने सफ़ेद कलर से रिप्रेजेंट किया बादशाहों को उन्होंने गोल्ड कलर येलो कलर से रिप्रेजेंट किया. यही वजह थी कि उनके मुजस्मे भी आज तक जो बने थे वो स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल अगर आप इजिप्शियन फिरौन का दौर उठाओ उनके जो मजिस्मे बने थे वो भी जो पत्थर था वो गोल्डन पत्थर है और वो पत्थर इजिप्ट में नहीं है. वो कहता है पता नहीं 100,000 मील दूर से लाए गए. इसी बात पे हैरान है कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी दूर से कैसे आए. आज तक ये मिस्ट्री चल रही है हमारे पास जिसकी वजह से कहता है कि कुछ लोगों ने कहा जिन्होंने बनाया था शायद. जितने मेरे कुछ पुलिस देखकर आए उन्होंने कहा यार वाकई इंसान के बस की बात नहीं है. आज के दौर में तो शायद ऑब्वियसली पूरे बुर्ज खड़े में नो प्रॉब्लम. वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बनते हैं. एक बिल्डिंग अगर आप 100 मंजिला भी उठाओ तो वो भी एक पत्थर पत्थर ईंटी टुकड़ा टुकड़ा करके बनाई जाती है. यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर है IIT का ये पूरा एक ब्लॉक एक पत्थर है. इतना बड़ा पत्थर है ये पूरी लैब है ना इतनी लैब जितना एक पत्थर है ना है गरे गरे बच्चा भी डोली अच्छी ना कोई भी ना खड़ी सकता. तो वो इसी वजह से हैरान है कि इतने बड़े बड़े पत्थर के इस लैब के पूरा आधा जितना एक पत्थर पड़ा हुआ पूरा पहाड़ का एक चकोरसा इतना बड़ा काटा हुआ ये आया कहाँ से और आया तो सही फिर उसको लाया कैसे गया फिर उसको ऊपर रखा कैसे गया हजारों मील. तो वो इस वजह से कि उन्होंने खास एक पत्थर ढूंढे हैं दुनिया में ये पत्थर ले आओ क्यों क्योंकि उस पत्थर की खास वैल्यू थी. यही वजह है कि ताजमहल सफेदी से बना. व्हाई ताजमहल वॉज व्हाइट व्हाई नॉट ग्रीन why not black why not off white why not yellow there are so many kinds of marble. us zamane mein wahan pe aur bhi bahut kisam ke marble available the aur usko safed patthar se hi kyu banaya gaya sangemarmar jo safed hai hamare paas marble white marble kyunki uski apni ek surti hai usme apni ek thandak hai usme apni ek wo kya kehte hain peace ka environment nikalta hai. aap jab is safed ko dekhte ho to kehte ho bas dekh ke aapka dil sukoon na aaya. अमन जो कलर है
Why, for example, why white is always associated with peace? Why red with danger? तो उसकी एक हिस्ट्री है. Why? Because हर कलर की एक डेटा है, हर कलर में इटसेल्फ डेटा है. कहने का पूरा मकसद ये, और ये डेटा आज से नहीं, ये इजिप्शियन ने भी यूज किया, उन्होंने गोल्ड को यूज किया, स्कल्पचर्स को यूज किया, उन्होंने फिर एशियन, अगर ग्रीस में आए, एशियन क्रीट में, दे यूज कलर, उन्होंने ब्लू कलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनके नजदीक वो समंदर किनारे रहते थे और ब्लू कलर हैड इट्स ओन ट्रैंक्विलिटी. तो ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, लोकेशंस, पेंटिंग्स ब्लू कलर बहुत ज्यादा था. फिर ग्रीस में आए तो ग्रीस ने अलग कलर्स को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने रेड, ब्लू, येलो, इनका कलर इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया. तो देन रेड वॉज मच मोर अट्रैक्टिव, रेड, मैरून, डार्क रेड, इस तरह के कलर उनके दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए. रोम में मेरे ख्याल से व्हाइट कलर नहीं था, रोम में जो था एक्चुअली कलर के हिसाब से रेड भी ज्यादा पॉपुलर है, पर रोम बिकेम मोर पॉपुलर बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग कलर्स फॉर देयर बिल्डिंग्स. हम लोग आजकल सफेद दीवारें यूज करते, ठीक, यही एक सबसे बड़ी वजह है हमारी परेशानी की, जो हम कहते हैं मेंट्रियम स्ट्रेस है. सीरियसली अभी भी बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमें क्यों कहा जाता है कि यार घूमने फिरने जाया करो, आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, हाइपर टेंशन में हो, या टेक अ वीकेंड, घूमने चले जाओ, हिल स्टेशन पे चले जाओ, मरी चले जाओ, मरी जाके बड़ा इंसान कहता है यार बड़ा मजा आया, बड़ा रिलैक्स हो गया. वजह यह है कि जब हम अपनी एक नॉर्मल लोकेलिटी से निकल के एक दूसरी जगह जाते हैं तो हम एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट को हमारा माइंड कैप्चर कर रहा है. तो जो ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट है हमारा, उससे दिमाग हट जाता, अब हम एक नए माहौल में आ जाते हैं और उस नए माहौल में हम कहते हैं कि भाई मरी जाओ, अगर टेंशन है, हाइपर टेंशन है, डिप्रेशन है, गो टू मरी, गो टू सी साइड, गो टू ग्वादर, डोंट गो टू थर. कोई डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज थर में कलर डल है, सहरा का कलर डल कहलाता है, ठीक है. हाँ, बारिश के बाद जाओ बहुत अच्छा, बारिश के बाद फॉरन जाने थर निकलो. व्हाई? बिकॉज अब ट्रीज आ गए तो ग्रीनरी आ गई, ग्रीनरी आ गई तो कलर आ गया. कलर आने से नेचुरली वेन एवर यू सी ब्राइट कलर्स, इट इज अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट मेडिकली दैट आवर ब्रेन, आवर बॉडीज स्टार्ट टू सीक्रेट सर्टन हार्मोन्स, एड्रेनलिन रश जिसे हम कहते हैं, that basically calms our body down, that allows us to relax. ये एक natural सा fact है. तो जब आप खूबसूरत color देखते हो, जब आप खूबसूरत environment देखते हो, जब आप एक ठंडा cool blue color, green color and बड़ा जो रंगीन, और naturally आपका दिमाग बड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि तो body उस colors को पसंद करती है, body उन colors को absorb करती है और enjoy करती है. वो एक ऐसे हार्मोन्स मेंटली सीक्रेट होते हैं जो हमारे नर्व्स को ठंडा करते हैं, चिल करते हैं. इसीलिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनके पास अगर आप कभी जाओ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो बोलेंगे ट्रेवल अवर, ट्रेवल, व्हाई अब नेट पे बेताशा पोस्ट आती है, व्हाई ट्रेवलिंग इज गुड फॉर यू, फॉर वन मेन रीजन, बिकॉज व्हेन यू ट्रेवल यू सी लॉट्स ऑफ कलर. ट्रेवल अगेन, ट्रेवल करना है नहीं इराक पहुंच जाओ या बगदाद पहुंच जाओ, ना वही खत्म. Traveling means go to a happy place. Traveling means Malaysia गए, Singapore गए, Thailand गए, Gwadar गए, Mari गए, Naran Kakhan निकल गए. Hajdevana. Why again Hajj is also important? Because obviously you see colors. One reason, but secondly obviously it has a spiritual importance as well. ठीक है, वहां पर भी अगर आप जाओ तो आपको मस्जिद के अंदर जो कलर्स नजर आएंगे बेहतरीन. भले अगर आप उसकी रिलीजियस एस्पेक्ट को साइड में भी रखो, हर वो जगह जहां पे आपको मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ कलर की इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी आईज को ठंडक मिलती है, उसकी वजह से हमें सुकून मिलता है. ये एक नेचुरल प्रूवन फैक्ट है. तो इस चीज को रोमन ने बड़ा अच्छी तरह अडॉप्ट किया था कि उन्होंने अपने घरों को बड़ा कलरफुल किया हुआ, दीवारों को, दरवाजों को, जमीन को, इस हद तक के छत को, ताकि जब वो सोए तब भी उनको कलर नजर आए. तो इसी वजह से कहते थे कि वो बड़ी एक सक्सेसफुल और बड़ी बादशाह कौम थी, बड़ी खुशोखरम कौम थी. वजह ये थी कि दे वर सो मच, दे बिलीव इन दिस. हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिप्रेशन का वजह ये है, भैया फीके फीके कलर लगे पड़े हैं. बट मैं सच ही बता रहा हूँ, घरों में तस्वीरें अगर आज इसने लगाएंगी, इफ यू हैव ब्यूटिफुल पेंटिंग्स ऑल अराउंड द वॉल, यू वुड फाइंड हैप्पी ऑटोमेटिकली. आजकल एक नया ट्रेंड आ गया कलर्स में,
ब्लू कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर, इस तरह के कलर घरों में पेंट किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट प्योर व्हाइट। कोशिश की जाती है कि मल्टी कलर वॉल्स हो, ये दो को ब्लू कर दिया या येलो कर दिया, बाकी अगर भले व्हाइट रखे तो थोड़ा सा शेड, ताकि कलर लाइट के हिसाब से हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश हो, कलर चेंज करे। ये बहुत डल कलर का एग्जाम्पल है। यहीं पे आप सोचो मैंने शो कलर कर दूं, पेंटिंग कर दूं, वॉल्स पे कर दूं, तो बड़ा हैप्पी फील आएगा, बड़ा हमारा नेचुरली बॉडी बड़ी एक्टिव हो जाएगी। हम क्लास में बैठे डल हो जाते हैं, वहीं पार्क में आके बैठते हैं बड़ा माइंड एक्टिव हो जाता है। वजह क्यों है? क्योंकि हमारा कलर के हिसाब से हमें बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। यही चीज फिर मजहब के साथ भी एसोसिएट की गई। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी का जब दौर आया तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट पोइट्री, डिफरेंट वाक्यात को उन्होंने कलर्स के थ्रू एज ए रिलीजियसली उसको पोर्ट्रे किया। फिर इसी चीज को हमने मुसलमानों ने कैश किया। यही वजह है कि आप अगर मुसलमान के आर्ट्स को जाके पढ़ें, एवरी आर्ट इज वेरी कलरफुल। काशीकारी का जो काम है, जो दीवारों पे जो काम है, आप मुगल एरा के अगर कभी लाल किला, लाहौर किला जाके देखो, आप ये खेरपुर महल जाके देखो, ठीक है, क्या जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन है। आप हाला का हैंडीक्राफ्ट देखो जो प्योर ओरिजिनल है, क्या जबरदस्त कलर है। मासूम मीनार देखो, आप सिंधी रिली देखो, उसमें भी कलर का इस्तेमाल। वजह यह है कि इट ब्रिंग्स अ हैप्पीनेस। जब आप एक कलर के साथ सराउंड हो रहे होते हो तो उस रिली की में इतने कलर इस्तेमाल करने की एक वजह शायद मेरे हिसाब से ये हो सकता है, बनाने वालों को ये दिमाग में ना आई हो, बट उसूलन उसमें आपको कंफर्टेबल क्यों फील होता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मोर ब्राइटनेस, कलर्स रोशनी है, तो हम कहते हैं कि यार बड़ा एक ऑटोमेटिक माइंड हमारा फ्रेश रहता है। एक सिंगल डल कलर है, एक सिंगल कलर थीम है, कुछ अर्से के बाद आपको डिप्रेशन होने लगेगा। अगर कभी ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल घर का कमरा भी व्हाइट, जमीन भी व्हाइट, चादरें भी व्हाइट, फर्नीचर भी व्हाइट कलर का, फॉर्मिका है, तो यू आप नोट करोगे आपके कमरे में बड़ा डिप्रेस ग्लूम। वहीं पे आपने जो कलर ब्राइट करना शुरू कर दिया, ब्लू कलर की दीवारें, पर्पल कलर के कर्टन, एक फर्नीचर को कलरफुल थोड़ा सा बड़ा अच्छे कर, ये भी नहीं कि ढिंचा कलर आना शुरू हो जाए, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, अंडा ऐसा आगे लगे कि यार गोले घंटे में आ गए हम लोग, ठीक, इस तरह का भी नहीं। बिकॉज सी एवरीथिंग हैज अ ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स। तो असल में अब आगे चल के हमें यही समझना है कि कलर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। ये नहीं कि आपने बस कलर डालना है तो सारा रिली में की तरह बस जो टुकड़ा इधर उधर से मिला सीधी बनी तो बस सीधे बनी, ठीक है, ये इसका बड़ा इफेक्ट है। तो हर जगह पे हर चीज को कलर के हिसाब से बड़ी खास मायने है। मॉल में दौर के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से कलर्स को रिप्रेजेंट किया, पेंटिंग्स, आर्ट, कल्चर, शेप्स, उन्होंने बहुत ज्यादा कलर का इफेक्ट किया हुआ। तो यही वजह हम कहते हैं आर्ट, आर्ट हमें क्यों अच्छा लगता है? आर्ट को अच्छा लगने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसमें कलर्स हैं, उसके अंदर कलर इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन क्या है? हाउ डू वी नो विच कलर हैज विच इंफॉर्मेशन? मुझे एक लोगो बनाना है तो मैं कौन सा कलर का चूज इस्तेमाल करूं? मुझे एक फ्लायर बनाना है तो मैं कौन से कलर्स का इस्तेमाल करूं? मेरी कंपनी एनजीओ है जो कि लोगों की, बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, 1 से 5 साल के बच्चों के नशोनुमा के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। मैं उसके लिए लोगो बना रहा हूं तो लोगो किस कलर का, उसका बैनर बना रहा हूं तो बैनर किस कलर का, कलरफुल हो या कलर मीनिंगफुल हो, ठीक है। कार्टून हमारे बड़े ब्राइट होते हैं तो क्यों बन रहे हैं? स्कूलों में हमने दीवारों पे कलर लगाते तो क्यों लगाते? बट अब कौन सा लगाऊं, किस वजह से लगाऊं? क्या वजह है कि रेड कलर को हमेशा खतरे की निशानी माना जाता है? क्या वजह है कि हमेशा रोड पे सिग्नल्स रेड कलर के मीन्स स्टॉप साइन? क्या वजह है कि हमेशा रेड को ही आग के सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है कि इट्स अ डेंजर? बिकॉज रेड कलर हैज दैट डेटा इनसाइड इट। रेड कलर के अंदर ये डेटा मौजूद है। जैसे हम कहते हैं हमारे डीएनए है, एक डीएनए छोटा सा ब्लड सेल है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ डेटा। सिमिलरली ईच कलर जो कुदरत ने बनाया है, कोई भी चीज हम कहते हैं ना कुदरत की बेमायने नहीं है, एंड एवरी सिंगल थिंग हैज अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। तो सेब लाल है तो उसकी वजह है, सेब हरा है तो उसकी अपनी एक वजह है, आम पीला है तो उसकी अपनी एक वजह है। व्हेन वी से रेड, हैंस जब भी रेड कलर का खाका बनता है, वी से रेड रिप्रेजेंट्स फायर, वी से रेड रिप्रेजेंट्स ब्लड, वी से रेड रिप्रेजेंट्स एनर्जी। तो रेड कलर, रेड देख के सर लोग रुक जाते हैं रोडों में गाड़ी सिग्नल बाहर मुल्क में हमारे यहां, ठीक है, हैदराबाद में तो है ही नहीं सिग्नल, हैदराबाद में तो है ही नहीं सिग्नल, बाहर मुल्क में मुमन रुक जाए, ठीक,
व्हाई? बिकॉज़ ये वो इंफॉर्मेशन है जो रेड कलर से हमें मिलती है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो रेड कलर अपने अंदर से निकालता है, देता है, बताता है. इट रिप्रेजेंट्स डेंजर एज वेल, इट रिप्रेजेंट्स वॉर. देन इसी का फिर एक दूसरा साइड भी है, वो ये है कि रेड कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पावर, इट रिप्रेजेंट्स पैशन, इट रिप्रेजेंट्स लव. एंड वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस. ये चीज तो हमें पता है क्या वजह है कि हमेशा दिल को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया. आज तक हरा, नीला, पीला, इस गुलाबी कलर के नहीं आया. वो नहीं, उस वजह से रेड नहीं होते. ठीक, सो वाई? बिकॉज रेड हैज दैट फीलिंग एज वेल. ठीक, इसी तरह से हम कहते हैं कि रेड ऑल्सो रिप्रेजेंट एंगर, गुस्से की निशानी भी हम कहते हैं लाल हो गया. वाई? बिकॉज इट, अब समझे, रेड कलर है सिर्फ, और उस कलर के अंदर देयर इज डेटा, वो इंफॉर्मेशन मौजूद है. उस इंफॉर्मेशन को हमें समझना है एज ए ग्राफिक डिजाइनर. अब अगर मैं उसी कंपनी का लोगो बना रहा हूँ, एक एनजीओ का जो बच्चों को हेल्प कर रही है 9 to 5 years, अगर उसको मैं रेड यूज कर रहा हूँ तो मैं रेड क्यों यूज कर रहा हूँ? एग्जैक्टली, बिकॉज रेड नहीं होना चाहिए उसमें. वाई? बिकॉज वो तो यार एक हेल्पफुल, एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों की न्यूट्रिशन खाने पीने के हिसाब से बड़ा काम कर रही है. उसमें रेड का इस्तेमाल करने की कोई तुक नहीं बनती, कोई मायना नहीं निकलता. एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जो पूरी कहानी कलर की हमने उठाई थी, बात यहाँ पे करनी थी कि हर कलर का एक मतलब है, हर कलर में से एक मीनिंग निकलती है. मतलब यूज होगा तो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज नथिंग टू डू विद फायर, ब्लड, एनर्जी, वॉर, डेंजर, हेंस इट शुड नॉट बी यूज्ड देयर. Whereas if you use light red color, अब red के shades आपने vary करना शुरू किया. Red एक pure red की बात हो रही है. If you use right red, it represents joy. अब वो खुशी को represent कर रहा है. Normal pure red है तो वो fire, blood, energy, war, danger को use कर रहा है. At the same time आपने उसके shade को change कर लिया, आपने light red use किया. अब मैंने वही कहा color का इस्तेमाल, उसकी अहमियत थोड़ा सा वाजे और हुई. लाल है तो लाल के भी मुख्तलिफ shades हैं. हर शेड अपनी एक अलग मीनिंग, अपने अंदर से अलग फीलिंग जनरेट करता है. लाइट रेड रिप्रेजेंट्स जॉय, सेक्सुअलिटी, पैशन, सेंसिटिविटी एंड लव. दर हकीकत जो लव को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लाइट रेड से करते हैं, प्योर रेड से नहीं करते. दिल का जो कलर हम दिखाते हैं वो लाइट रेड दिखाते हैं. रशिया का दिल से और लव से क्या ताल्लुक है? सर उनका फ्लैग रेड है, बिल्कुल डार्क और उसमें स्टार्स बने हुए हैं. और फिर इसकी लगभग भी हो रहा होगा यार, दूसरा आड़ू को इत्तेफाक है. इसी तरह से फॉर एग्जांपल इफ आई यूज पिंक, पिंक सिग्निफाइज रोमांस, पिंक सिग्निफाइज लव, पिंक सिग्निफाइज फ्रेंडशिप. वेयर एज पिंक ऑल्सो सिग्निफाइज द फेमिनाइन क्वालिटी. क्या वजह है कि जब घर में बेटी आती है तो हम कहते हैं यार हर चीज पिंक ले आओ? क्यों? बिकॉज पिंक कलर में से वो औरतों में वो फेमिनाइन क्वालिटीज वो प्रोजेक्ट होती है. क्या वजह है कि हम कहते हैं बेटा हो रहा है तो ब्लू ले आओ? फॉर एग्जाम्पल, ये कॉमन सा ट्रेंड है. और क्यों बना वो ट्रेंड? बिकॉज मैंने वही कहा कि इसमें से एक्चुअली इंफॉर्मेशन है, ये डेटा है कलर का, और ये डेटा एज ए ग्राफिक डिजाइनर में समझना है. बात सीधी सीधी इतनी है, कलर हैज डेटा, कलर हैज इंफॉर्मेशन. एज अ पर्सन, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ प्रोफेशनल मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच कलर इज सपोज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. लाइट रेड है तो वो औरतों के लिए, पिंक है फॉर एग्जाम्पल, पिंक इज फॉर फेमिनाइन, वो औरतों को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो उसके लिए अगर मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग की, ठीक, मैं बॉडी बिल्डिंग की कोई मेरा आया मेरे पास प्रोडक्ट, यार आई डिजाइन अ लोगो बैनर फॉर माई बॉडी बिल्डिंग कंपनी, मेरे दोस्त ने खोला, उसने कहा सब बना कर. अब बॉडी बिल्डिंग में मैं पिंक कलर इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो औरतों के लिए. अगर वो पिंक फॉर एग्जांपल जिमनेजियम फीमेल के लिए, फॉर एग्जांपल इसे सर मेरे पास मेल अलग है फीमेल अलग है, मुझे दो अलग अलग लोगोस चाहिए, या लोगो का मेल शेप एक ही हो पर कलर थोड़ा सा कंट्रास्ट करो, तो जो मेल होगा फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू में, तो फीमेल का मैं पिंक में फिर यूज करूंगा टू रिप्रेजेंट द फेमिनाइन, या दिस इज फॉर फेमिनाइन. Why? Because pink has that data that it belongs to female. Ladies color. इसी तरह से dark red is associated with vigor, willpower, rage, anger, leadership, courage वगैरह वगैरह.
अब यहीं पर रेड को आपने पिंक से डार्क रेड कर दिया, मेहरून अभी भी नहीं हुआ, पर्पल नहीं हुआ, मेहरून इज डिफरेंट कलर, डार्क रेड मीन्स कि अब इट रिप्रेजेंट्स विगर, विल पावर। यही वो विल पावर है जो पीछे आर्टिस्ट, अगर आपने रोमन इजिप्शियन इनके दौर में देखो, उन्होंने डार्क रेड यूज किए हैं, मीन्स विगर, जोश, जज्बे, वलवले को, ताकत को, एंगर को, गुस्से को दिखाता है। उस कलर में अलग ही मीनिंग निकलती है। इसी तरह से ब्राउन में आ जाए, ब्राउन सजेस्ट स्टेबिलिटी, डिनोट्स मस्कुलाइन क्वालिटी। ब्राउन कलर जो है बड़ा जबरदस्त कलर है, ब्राउन कलर रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी मीन्स हमवार, एक ही जगह, मुस्तकिल मिजाजी को शो करता है। ठीक है, एक बंदा मुस्तकिल मिजाज है, हमवार है, हम तरतीब है, बुनियादी तौर पे मजबूत है, स्टेबल जिसे हम कहते हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है अलोंग विथ मस्कुलाइन पावर, अलोंग विथ मस्कुलाइन, मेल मस्कुलाइन कलर। तो टेक्निकली मेल का कलर ब्राउन है, ब्लू भी नहीं है। और अब आंटियों को कौन समझा, अम्मियों को, उन्होंने कहा वो यूज करते हैं। ठीक, सो अम्मियों ने कहा ब्लू कलर तो ब्लू कलर हो गया, बट ब्राउन कलर इज एक्चुअली फॉर मेल कलर, पिंक फीमेल के लिए। तो ब्राउन कलर जो है वो दर हकीकत मस्कुलाइन प्रॉपर्टी वो शो करता है। रेडिश ब्राउन एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट एंड फॉल, रेडिश ब्राउन जो गोल्डन कलर का एक ब्राउन आता है हमारे पास, यही वजह है कि खेत, खेती बाड़ी, हार्वेस्टिंग, इनके अंदर हम इस तरह का लोगो यूज करते हैं। फिर ऑरेंज, ऑरेंज रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी, अट्रैक्शन, सक्सेस। यही वजह है कि यूफोन के लोगों ने ये ऑरेंज यूज किया, लाइट ऑरेंज, क्योंकि वो क्रिएटिविटी, क्योंकि वो सक्सेस को शो करना चाह रहे थे। बात समझे? अब लोगों की कितनी इंपॉर्टेंट है कलर की, एक लोगो के अंदर, एक बैनर के अंदर, एक ब्रोशर के अंदर, और वो रेड का शेड दूसरा है, जॉय, सनशाइन, इंथ्यूजियाज्म, फैसिनेशन, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, सारे अच्छे अल्फाज किताब के, जिसमें खुशी, सूरज की रोशनी, उम्मीद, पुरसुकून एक कलर रिप्रेजेंट करते हैं। रेड को हम कहते हैं इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव कलर, रेड को हम कहते हैं इट्स अ नेगेटिव कलर, नेगेटिव मीन्स कि ये बुराई का थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है। कलर्स को अगर मैं क्वांटिटी में कर ले आऊं तो लाल पॉजिटिव और नेगेटिव हम वर्ड यूज करते हैं। पॉजिटिव कलर का मतलब ये कि वो कलर जिससे खुशी नुमा हो, जिससे अच्छाई, एक अच्छी नाइस फीलिंग हो। एक नेगेटिव कलर मीन जिससे बुराई, बैड फीलिंग, मतलब बैड मैसेज आ रहा हो। तो रेड, अगेन बैड इन नॉट सेंस रियल बैड, पर रेड के अंदर वॉर, एनर्जी, ब्लड, फायर, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इमेज आ रही है। रेड जो है ना बड़ा बुरा कलर है। ठीक है, उससे नेगेटिविटी, डेंजर, वॉर, इससे दूर रहना चाहिए। बस, सो अगेन, बिकॉज एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, बट यस, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। इसी तरह से ऑरेंज इज अ पॉजिटिव कलर। रेड के डिफरेंट शेड्स हैं, आपने शायद लाइट रेड पहना हुआ, ठीक है, प्योर रेड नहीं है आपका। तो ऑरेंज जो है इट इज अ पॉजिटिव कलर, मीन्स कि व्हेनेवर यू यूज एन ऑरेंज कलर, इट गिव्स यू अ पॉजिटिव फीलिंग, इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मीनिंग, मीनिंग अट्रैक्शन, सक्सेस, एनकरेजमेंट, हैप्पीनेस, फैसिनेशन। बड़ी अच्छे अच्छे अल्फाज हैं कि किसी अट्रैक्शन के लिए, सक्सेस को दिखाने के लिए, क्रिएटिविटी शो करने के लिए, फैसिनेशन, कोई किसी को मुतासिर करने के लिए, ऑरेंज कलर की बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, पॉजिटिव कलर है। इसका इस्तेमाल हर अच्छी जगह, हर अच्छे फॉर्म, अच्छे लोगों, अच्छे कंपैरिजन के लिए। डार्क ऑरेंज कैन मीन डिसीज एंड डिस्ट्रस्ट। अब ऑरेंज का भी फिर शेड, उसको डार्क कर दिया मींस डिसीज, डिसीज मींस धोखा, धोखे को शो करता है, डिस्ट्रस्ट को, बेयकीनी को, बेएतबार लोगों को शो करता है डार्क ऑरेंज। हैंस फॉर एग्जांपल, मैं ड्रामा का एक बना रहा हूं, उसका लोगो है, तो ड्रामा की थीम ही ऐसी है कि धोखेबाज करेगा, तो उसका कलर अगर मैं यूज करूंगा तो डार्क ऑरेंज वुड बी वेरी नाइस कलर टू रिप्रेजेंट धोखेबाजी। अगर मेरी कंपनी है लॉ की, जो एक वकालत की कोई कंपनी है, फर्म है, उसका अगर मैंने डार्क येलो रेज किया तो गलत होगा, क्योंकि धोखेबाजी को शो कर रहा है। ठीक है, सीन्स सिर्फ कलर से कितनी मायने निकल रही है, सिर्फ कलर से। अब एक कलर एक जगह यूज करो तो बहुत अच्छा, दूसरी जगह यूज करो तो टोटली गलत। अभी आता हूं। रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज रिस्पॉन्स टू डिजायर, सेक्सुअल पैशन, प्लेजर, डोमिनेशन, एग्रेशन। इसकी अपनी एक डिफरेंट फीलिंग, वेरी नाम कूल। इसी तरह से गोल्ड इवोक्स फीलिंग ऑफ प्रेस्टीज। यही वजह है कि सोना पे हम कहते हैं यार पहनना चाहिए,
शादी में गोल्ड पहना जाता है ताकि वो प्रेस्टीज ऑनर और अब दिखाया जा सके कि भाई असी भी चौधरी हैं। या पैसो है या फसल लती है। सो एंड देन यही वजह है कि इजिप्शियन ने गोल्ड यूज किया, उनके फिरौन्स ने गोल्ड के बुते बनवाए, सोने के मुजस्मे बनवाए, सोने के पत्थर बनाए, बिकॉज सोने से वो प्रेस्टीज की, वो ऑनर की, वो एक ना बड़ापन दिखाने की, वो ताकत की निशानी निकल मानी जाती है। इट रिप्रेजेंट्स गॉड, इट रिप्रेजेंट्स विजडम, इट रिप्रेजेंट्स वेल्थ। तो ये गोल्ड कलर सिंबलाइजेस हाई क्वालिटी की, जितना ज्यादा सोना पहना हुआ है उतना आप अपने आप को समझ इंसान समझता है कि मैं बहुत बड़ा मोहतबर हूँ। आपने एक टॉप पहना हुआ है, एक टॉप्स पहना हुआ है सीधा, पर वहीं पे आपने पूरी डोरी पहनी हुई है तो ऑटोमेटिकली वजह ये कि आप यू फील दैट प्रेस्टीज, नॉट बिकॉज वो लोहा दरहकीकत सिर्फ लोहा है, डोरी सोन गोल्ड है वो सिर्फ लोहा है, फर्क ये उसको सोने का कलर चढ़ा हुआ है। ऑब्वियसली अगर 24 कैरेट है तो फिर ठीक है, पर अगर सिर्फ आजकल जैसे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल इमिटेशन ज्वेलरी, तो कॉपर की पूरी ज्वेलरी बनी हुई है उस पर गोल्डन पानी चढ़ा हुआ, वही डोरी जो नॉर्मली 3-3.5 लाख की है वो मार्केट में आपको 20-25 हज़ार की मिल रही है, वेरी गुड क्वालिटी, फैंटास्टिक। आजकल इसका ट्रेंड बहुत आ गया, लोग हाई क्वालिटी गोल्ड पे जाने जा रहे हैं नॉर्मल ट्रेंड पे, ठीक है वो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें पैसे की बात है, डोरी इवेंट कवर हुआ उसके बाद गोल्ड आपने रिटर्न कर, बट अब उसमें बात क्या हुई किसी को पता भी नहीं चलता, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड है ना, तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी रखी हुई है, आर्टिफिशियल नॉर्मली आता है 100-200-500 हज़ार वाला, उसकी क्वालिटी बुरी होती है दूर से पता चल जाता है, 2-3 दिन के बाद ब्लैक काला पड़ना शुरू करता है, तो जो 15-20 हज़ार 20-25 हज़ार कह रहे हैं उसमें थोड़ा क्वालिटी उन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है वो 1-2 साल तक आपका खराब नहीं होगा, एंड यू कैन वेयर इट वेरी इजी। तो फर्क क्या हुआ, सिर्फ कलर का, अंदर तो वही लोहा है, तो कलर की इतनी अहमियत है। इसी तरह से येलो, येलो रिप्रेजेंट सनशाइन, न्यू डॉन, इंटेलेक्ट, हैप्पीनेस, हैज अ वार्म इफेक्ट, अराउज चीयरफुलनेस, जनरेट्स मस्कुलाइन एनर्जी, ऑनर, लॉयल्टी, एज वेल एज बुजदिली, कावड़ी जिसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा ठंडा कलर है, बड़ा मासूमाना बेचाराना कलर है, दैट रिप्रेजेंट्स ऑनर, इज्जत, लॉयल्टी, खुलूस, दोस्ती, क्या कहते हैं, भरोसे को शो करता है, बट एट द सेम टाइम बुजदिली को भी शो करता है। इसी तरह से डंग येलो रिप्रेजेंट्स कॉशन, डल येलो जिसको डिंगी येलो कहते हैं, रिप्रेजेंट्स कॉशन, डीके, सिकनेस एंड जेलसी, ठीक मींस अगर डल येलो, डल येलो मींस जब कलर को आप थोड़ा सा डल कर दो, येलो इसको डल येलो कलर रखो, डिंगी येलो जिसे कहा जाता है, इट रिप्रेजेंट्स सिकनेस, बीमारी को, जेलसी को, कॉशन को। यही वजह है कि जितने भी कॉशन के साइन है, फॉर एग्जाम्पल केयरफुल, नो स्मोकिंग, डेंजर साइंस के, वो अक्सर येलो के बने होते हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक सिग्नल पे जो सेंटर येलो है वो कॉशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि कॉशन से येलो रिप्रेजेंट हो रहा है। ये कलर जो है आपस में बहुत ही गहरा लिंक है। ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन मीन्स नेचर, हेल्थ, होप, उम्मीद, खूबसूरती, कुदरत का कलर जिसे हम कहते हैं, कुदरत का कलर एक हरा जिसका मतलब ग्रोथ, हार्मोनी, फ्रेशनेस, फर्टिलिटी, इमोशन, प्योर मनी, होप, हलाल रिस्क को हम कहते हैं प्योर मनी, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत पॉजिटिव कलर है। तो मैं एनजीओ बना रहा हूँ, वही बच्चों वाली बात, हार्वेस्टिंग, आई विल ट्राई टू यूज ग्रीन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी नाइस एंड कूल मीनिंग, ठीक है। पर अगर मैं एक वकालत की फॉर्म बना रहा हूँ तो वहाँ पर ग्रीन अप्रोप्रिएट नहीं होगा बिकॉज ग्रीन की मीनिंग दूसरी निकल रही है। एक वकालत वकीलों की फॉर्म में ग्रीन कलर नहीं, वहाँ पर रेडिश चाहिए, पावर, ताकत, जस्टिस, इस तरह के पूरी फीलिंग दिखानी चाहिए मुझे, तो वहाँ पे ग्रीन इन अप्रोप्रिएट है। तो मैंने कहा ना, अब कलर कहाँ पे किस लोगो के लिए बना रहे हो बड़ा फर्क है। स्कूल बना रहे हो, स्कूल का लोगो आ रहा है, फैंटास्टिक। बेकरी आ रही है तो बेकरी में ग्रीन में यूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोजेक्ट आया कि सर हमें अभी आर क्रिएटिंग अ बेकरी, तो मुझे बेकरी की पूरी प्रोडक्ट डिजाइनिंग, उसका लोगोज और उसके बैनर्स और उसके डब्बों के कवर की डिजाइनिंग सारी हमें करके देनी है। ब्लू कर सकते हैं, गोल्डन कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं हार्वेस्ट को शो करने के लिए, बट ग्रीन वहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक। वाई? बिकॉज ग्रीन की टोटली डिफरेंट मीनिंग निकलती है। हाँ, अगर मिल्क शॉप है फॉर एग्जाम्पल, उसमें मैं ग्रीन यूज कर सकता हूँ,
ठीक है, क्योंकि उसमें प्योर फ्रेशनेस हार्वेस्टिंग इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो कलर इटसेल्फ आप किस जगह पे किस फॉर्म पे, मतलब वही मैंने कहा ना, इसीलिए कलर का इस्तेमाल हर कंपनी का अपना होता है। डार्क ग्रीन इज एसोसिएटेड विद एम्बिशियस ग्रीन एंड जेलसी, वहीं पे मैंने कलर के शेड को डार्क कर दिया, यार मुझे डार्क ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट उस डार्क ग्रीन से हमें जो फीलिंग आ रही है वो आ रही है एम्बिशियस की। एम्बिशियस मीन्स वो जो खुद होता है ओवर एम्बिशियस, हम कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं। एम्बिशियस मीन्स मुफाद परस्त, ठीक, जो अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोचे और बहुत ज्यादा मुफाद के बारे में, बस हर कोई मुझे हर चीज चाहिए, मुझे ये भी करना है, फायदा फायदेमंद जो लोग होते हैं ना, फायदा पसंद, कि खुद सोजी से होती है कि मैं खुद परस्त होते हैं। जो सेल्फिश भी इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है, मैं सेल्फिश वर्ड यूज यू नहीं करूंगा, सेल्फिश इज अ डिफरेंट मीन्स, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एम्बिशियस का मतलब ये कि वो लोग जो बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, यार मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, मैं ये भी करना चाहूंगा, हाँ, जैसे वो फरियाल टारफो टाइप, तो ग्रीड जेलेसी। येलो ग्रीन कैन इंडिकेट सिकनेस कावर्डिस डिस्कॉर्ड एंड जेलेसी। एक्वा ग्रीन इज एसोसिएटेड विद इमोशनल हीलिंग एंड प्रोटेक्शन। एक्वा ग्रीन, यही वजह है कि जितनी दवाएं हमदर्द दवा खाना ग्रीन, मतलब डिफरेंट एक ब्लूइश ग्रीन टाइप का शेड, बिकॉज ये ग्रीन जो है वो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। दवा खाना है, मेडिकल स्टोर है, मेडिकल कंपनी है, कोई एनजीओ है, ग्रीन, एक्वा ग्रीन, लाइट ग्रीन आर वेरी अप्रोप्रिएट। ऑलिव ग्रीन जो है इज अ ट्रेडिशनल कलर ऑफ पीस। ओके, इसी तरह से ब्लू, ब्लू मीन्स फ्यूचर ड्रीम डेप्थ स्टेबिलिटी, मीन्स ट्रस्ट लॉयल विजडम कॉन्फिडेंस इंटेलिजेंस फेथ, वेरी नाइस वेरी पॉजिटिव कलर। इसी तरह से ओशन सी स्काई डेप्थ नेचर का दूसरा नाम है ब्लू। ठीक, हम कहते हैं लाइट ब्लू इज एसोसिएटेड विद हेल्थ हीलिंग ट्रैंक्विलिटी अंडरस्टैंडिंग एंड सॉफ्टनेस। लाइट ब्लू यूज करो तो हेल्थ को शो करता है। ट्रैंक्विलिटी मीन्स जिसे खुशियां, खुशी को हम कहते हैं कि बड़ा खुशी ने सुकून राहत को शो करता है। इसी तरह से सॉफ्टनेस कामनेस को शो कर रहा होता है। फिर डार्क ब्लू रिप्रेजेंट्स नॉलेज पावर इंटीग्रिटी एंड सीरियसनेस। पॉजिटिव कलर है पर थोड़ा सा सोबर कलर से हम कह लें कि सीरियसनेस को, पावर को और आपकी यार आजकल तो हर कलर की ड्रेस देखने में आते, नीला, पीला, गुलाबी, पिंक, पर्पल, लड़कों को भी पिंक पहना के भेज रहे हैं सच्ची को, पिंक ट्राउजर, ऑरेंज कलर की, येलो, ब्लू, वो आजकल वो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, वो हर किस्म की ड्रेस वगैरह पहन रही। इसी तरह से इफ आई गो इनटू पर्पल, पर्पल इज पावर नोबिलिटी लग्जरी कांट बीट मी। थोड़ा सा नेगेटिव पावरफुल कलर है, एलिगेंट कलर है, हाई एलीट क्लास का कलर एकदम कहते हैं। पर्पल शोज के इट इज नोबेलिटी, नोबेल मीन्स वो वडेरा, वडेरा शाही को शो करता है, चौधराहट को शो करता है, मैं बड़ा एक आलिशान शैतान थी था खड़ी चई सको हाने करंट कॉन्टेक्स्ट में, यस लेकिन वडेरो चाहे मुझे ला कलर था या को लोगो होगो तो ने वो पर्पल यानी दूर कर जाए। वेल्थ एक्स्ट्रावेगेंजा विजडम डिग्निटी इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। पैसे को भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंस, जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रावेगेंस को मैं कैसे डिफाइन करूँ, हम कहते हैं बम्बास्टिक, कुछ बड़ा तबाहीदार नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा धमाल टाइप का कलर है ये, बड़ा एक्स्ट्रावेगेंस। इसी तरह से विजडम शऊर को शो करता है, ताकत को, डिग्निटी को, रुतबे को, मर्तबे को शो करता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल भी है, मैजिक को भी कलर शो करता है, जादू टोने को भी पर्पल रिप्रेजेंट करता है, मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है पर्पल कलर। लाइट पर्पल इवोक्स रोमांटिक एंड नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, लेकिन वहीं पे पर्पल को आप लाइट कर दो तो ये बड़ा रोमांटिक कलर है और इसी तरह से नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स अकर करता है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स किसे कहते हैं, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स इसे कहते हैं, इश्क जो है क्या बोला, बीमार है, हाथ तो धोने खाए वहां ना सर, नहीं है सर, जा नहीं इश्क आप माँ बोल से भी हो सकता है यार, लाइक एक तो यार हमारी जहनियत बड़ी तीन होगी जल्दी इश्क आप भाई बहन, आप पॉजिटिव कलर भाई बहन से भी इश्क, जब आप किसी को मिस करते हो इश्क होता है,
आपको लगता है कि यार वो बंदा मेरे साथ है, वो फीलिंग्स, वो ख्वाबों में कहते हैं ना यार, वो एहसास दोबारा जागता है कि अगर ब्रदर है, भाई नहीं आज ईद पे, तो मुझे भाई याद आ रहा है मिस करने को, तो वो कहलाती है नॉस्टैल्जिक फीलिंग कि यार कल तक देखो, कल हम बैठे थे साथ में यहाँ पे, आज भाई बेचारा दुबई बैठा हुआ, अकेला मैं इधर, तो वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहलाती है। ये उमन इश्क में ज्यादा जो होती है, इश्क मोहब्बत इसे कहते हैं, ठीक है। चलें डार्क पर्पल इवोक्स ग्लूम सैड, वहीं पे कलर पर्पल को इस्तेमाल करते हैं पर उसका हमने शेड अलग कर दिया, इट रिप्रेजेंट्स ग्लूम। ग्लूम हम कहते हैं उदासी को, तन्हाई को, दुख कहने का ना, शोक ना, सफा मना डिप्रेशन के मना, इतरो डेंजरस फील होने। हेंस अगेन, अब आपकी कंपनी अगर बड़ा एक खुशी बांटने वाली एनजीओ है, उस पर डार्क पर्पल में भी देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा, इस्तेमाल करने में नेगेटिव मीनिंग है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू कैन डू। फाइनली व्हाइट, व्हाइट इज बेसिकली अ कलर फॉर गॉड, फॉर प्योर, फॉर वेल्थ, फॉर मदर, आई विल बी देयर फॉर यू। हाँ, बड़ा एक सॉफ्ट पॉजिटिव और बेहतरीन सुकून देने कलर है, ठीक है। खुदा का जब भी हम तसव्वुर करते हैं नूर का, तो हम सफेद माइंड में आते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं नूर मतलब सफेद, वजह यह है कि उस कलर से वो डेटा आ रहा है, उस कलर में से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, इसी वजह से हम कभी भी नूर को रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज करके तसव्वुर नहीं करते। जब भी हम लव सुनते हैं नूर का, परियों का, फरिश्तों का, सफेद कलर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स दैट, उसमें से वो डेटा है। इसी तरह से रिप्रेजेंट्स गुडनेस, इनोसेंस, प्योरिटी, वर्जिनिटी, स्टेट ऑफ परसेप्शन, ये तमाम एक सूरत, एक हल्की, एक सादा जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। सेफ्टी, क्लीननेस एंड स्प्लिट, यही वजह है कि डॉक्टर्स को व्हाइट पहनाया जाता है, ताकि वो सेफ्टी को, क्लीननेस को, मदरली को, खुदा का दूसरा रूप को हम कहते हैं रिप्रेजेंट करें, ठीक है। व्हाइट कलर की वजह ये, अब काला अबाया क्यों पहना जाता है ये अभी मैं बाद में कूलनेस, हॉस्पिटैलिटी, डॉक्टर्स वगैरह, वट एवर इट टेक्स, वट एवर हार्ट ब्रेक्स, आई विल बी राइट देयर वेटिंग फॉर यू। इतना नॉर्मल, बड़ा अच्छा, बड़ा ठंडा, बड़ा कूल कलर है। फाइनली ब्लैक, ठीक, ब्लैक रिप्रेजेंट्स डेथ, ब्लैक रिप्रेजेंट्स इवन। इसमें देखना हमें से वेरी क्यूट थीफ, थीफ वो चमड़ी जरूरत ना है, उन्हें को रंग ना है, थोड़ा मांग भी है मैंने रेवा को, ठीक। सो ब्लैक रिप्रेजेंट्स डेथ, ब्लैक रिप्रेजेंट्स इवन, ठीक। हाँ, ईविल रिप्रेजेंट, आप बुराई का जब भी सोचो तो कालापन आ जाता है, आप शैतान का जब भी सोचो तो कालापन आ जाता है दिमाग में। आप पावर, एलिगेंस, फॉर्मेलिटी, डेथ, ईविल, मिस्ट्री, जादू टोना, कालापन, मिस्ट्री, ईविल, इसका उमूमन जो है ना डार्क ब्लैक ग्राउंड, खौफ हमेशा रात के आता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट कलर। हम कहते हैं जिन भूत हैं तो ऑटोमेटिकली कालापन दिमाग में आ जाता है। क्या कौन सा काबा? हाँ, अभी मैं आता हूँ उसको, प्योरली काबा ब्लैक नहीं है, अगर शेडो ब्लैक है, वो जो मखमल यूज किया जाता है ना, रेशम धागा, उसका कलर ब्लैक नहीं है, वो शेड मारता है ब्लैक का, स्लेटी ग्रीनिश कलर का शेड, जैसे वो कलर येलो और नहीं, मेहरून तो डिफरेंट हो गया, जो जो मैंने अगेन स्टडी हमने की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे जब, क्योंकि कलर में पढ़ाता है, तो जब भी मैंने पढ़ाया ब्लैक की थोड़ी सी बुराई की है, तो दूसरा क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने कहा, तो थोड़ा सा हमने भी स्टडी की कि भाई जो रेशम, जो रेशा काबे के धागे को इस्तेमाल होता है, उसका कलर ब्लैक नहीं होता, ठीक है, वो ग्रीनिश टाइप का, कोई डार्क ग्रीनिश टाइप का एक शेड होता है, उससे जो धागा बनता है, हमें सिर्फ वो रोशनी की वजह से, लाइट जैसे दूर से देखते हुए हमें जो शेड मारता है वो ब्लैक मारा है। बट अगेन मैंने कहा ये नेगेटिव है, एक चीज ये समटाइम होता है ना, बड़े जल्दी रिलीजियस हो जाते हैं, ठीक है, तो साई साओ कलर तो माना मस्जिद नबी जो माना बस, बात यह है कि हर चीज की अपनी डेटा है, ठीक है, इसी पे लिखा हुआ है, एलिगेंस भी है, फॉर्मेलिटी भी है,
तो और ये कलर सारे कुदरत के ही बनाए हुए हैं, तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि भाई ये पैटर्न, तो हम लोग पहले ही कह लेते हैं कि भाई ये हर चीज कुदरत की बनाई, ये कलर्स भी, इन कलर्स के नाम तक कुदरत ने दिया। हम कहते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलाम जब आए हो तो सबसे पहली चीज कुदरत ने उसको नाम ही सिखाई थी। हजरत आदम अलैहि सलाम और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लाते सवाए हर चीज के, हर फल फूल हर ऑब्जेक्ट के नाम उनको सिखाए गए, ये तारीख में किताब में। तो ये नाम, फॉर एग्जाम्पल, आम को आम क्यों कहते हैं, सेब को सेब क्यों कहते हैं, अंगूर को अंगूर क्यों कहते हैं, आज तक कोई दूसरा नाम किसी भी थ्रू आउट हिस्ट्री को दूसरा नाम ही नहीं आया। वजह यह है कि वो हजरत आदम को नाम बताएगा कि यार ये सेब है, ये आम है, ये अंगूर है, ये बन चीजें है, ये चीजें है, ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये समंदर है, ये आसमान है, ये खुदा है, ये नाम उनको बताएगा। और वो नाम थ्रू आउट हिस्ट्री पर हम उन्हीं नामों पर कायम है क्योंकि अल्लाह ने नाम दिए हैं और हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये नाम कलर और कलर्स के नाम, ये इन्फॉर्मेशन भी अल्लाह ने दी है, तो उसको खुदा के वास्ते रिलीजियस में मत ले जाओ, प्योर इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल बात। बट यस यस ब्रदर, बाद में देना शुरू किया क्योंकि अक्सर लोग जो थे ना वो पत्थर खुरसना शुरू कर दिया, सेफ्टी के लिए इटसेल्फ के भाई जो लोग थे, जब हमारे यहाँ ना मुसलमान बड़े दीनदार हैं तो उनको अभी भी कैंचियां ले जाते हैं, आगे काट कर आते हैं, हाँ अभी भी ये आप जाओ बड़े पाकिस्तानी तरम खान बैठे हैं तो अभी भी है कि जब अब तो उनके लिए काबा गिलास बहुत हो गया, लेकिन तब जाते थे तो मट्टी पत्थर वो ले आते थे और उसको खरोच के ले आते थे। यही वजह है कि हजरे अस्वद और सफा मरवा के दरमियान भी उन्होंने शीशे लगा दिए और पत्थर के ऊपर उन्होंने सब को एक केमिकल बिछा दिया ताकि वो उखड़े नहीं। उसके बावजूद भी लोग फिर कोशिश करते थे कि मैं वो पत्थर, मेरे लिए तो मुबारक हो जाएगा, नहीं पत्थर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये बिद्दत की एक निशानी है यार, बेसिकली मतलब मैंने कहा ना कि ओरिजिनल जो मैंने थोड़ा जितना मैंने पढ़ा है कि वो जो रेशम यूज किया जाता है उस रेशम का कलर ब्लैक नहीं है, उसका कलर डार्क ग्रीनिश टाइप का है, वो प्योर रेशम है, कोई मिलावट नहीं है। आप अब वही बात की आप कलर को किस सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रीन बहुत अच्छा बहुत प्योर कलर है, पर ग्रीन को अगर आपने किसी एजेंसी लॉ एजेंसी फॉर्म के लिए यूज किया तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, इस्तेमाल के ऊपर भी मैटर करता है कि आप किस कलर को किस सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑब्वियसली ये सारी मीनिंग्स निकलती हैं, इसमें फॉर्मेलिटी भी आती है, इसमें एलिगेंस भी आती है। यार ब्लैक पहनने से इंसान बड़ा एलिगेंट लगता है, बड़ा सोबर लगता है, बड़ा डिसेंट लगता है। यही वजह है कि अब आए को हम अक्सर ब्लैक में देख रहे हैं कि उससे एक सोबरनेस, एक एलिगेंस, एक डिसेंसी शो होती है। ठीक है, ये वजह, तो यही वजह है कि काबे को भी हम फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक तस्वर कर रहे हैं तो एक एलिगेंट, एलिगेंट से मतलब बड़ा भी बड़ा ज़बरदस्त एक वर्ड है, इंसान बड़ा एलिगेंट सोबर बड़ा मोतबादर मोतबर एक कलर आता है, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन है और उसकी डार्कर रिप्रेजेंटेशन भी है। तो अब डिपेंडिंग आप उसको किस सेंस में यूज कर रहे हो। हमारे बाल भी काले हैं तो फिर इंसान बोले कि यार हम तो आधे शैतान है ही है। और जो गोरे हैं उनके बाल गोल्डन होते हैं, जिसका मतलब वो तो फिर समटाइम्स कलर हैज इट्स मीनिंग बट डिपेंड ऑन यूज एंड हाउ यू सी द कलर्स। सो दिस इज ब्लैक, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ग्रीफ सोरो एंड पेन एज वेल। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने काला कपड़ा पहना तो आप दर्द में हो, पर यही वजह है कि हम काले कपड़े पहनते हैं मुहर्रम में टू शो दैट ग्रीफ, हमें दुख है। काला पहन आप बायकॉट करते हो तो काली पट्टियां पहन लेते हैं, या आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो कोई इवेंट हुआ था जैसे, तो उन्होंने फिर काली पट्टियां क्यों, क्योंकि काली पट्टी उस एहतजाज को, उस दर्द को, उस दुख को शो करता है। आप समझ रहे हैं, काला कलर, मैंने वही कहा कलर की डेटा पे जाओ, यूज उसके बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत गलत जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को नहीं पता, ये पूरा चैप्टर अलग से पढ़ाने का मकसद ही है टू अंडरस्टैंड दैट कलर इटसेल्फ हैज इंफॉर्मेशन। आप कौन सा, आप काली पट्टियां पहनते हो तो काला पट्टियां ही क्यों पहनी जाती हैं, लाल नीली पीली गुलाबी क्यों नहीं पहनी जाती, बिकॉज ब्लैक हैज दैट मीनिंग। ठीक, हम लोग ब्लैक कलर के सूट पहनते हैं, व्हाई, बिकॉज इट हैज दैट एलिगेंस। ब्लैक अबाया, ऑब्वियसली अबाया शर्त ही नहीं है इस्लाम में कि आप लाल अबाया पहनो या ब्लैक अबाया पहनो या ब्लू पहनो या व्हाइट पहनो, तो आपके ऊपर, पर उमूमन हम ब्लैक पहनते हैं। Why? Because to show that elegancy, to show that purity, to show that formality. आप चाहे गोल्डन पहनो, आपको पाकिस्तान में रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाएं, ईरान में चले गए या मलेशिया चले गए या दूसरी अरब कंट्रीज में, तो अल्जीरिया वगैरह, तो वहाँ जो अबाया वगैरह अगर जो बैठते हैं वो कलरफुल पहना जाता है।
येलो रेड ग्रीन ब्लू पर्पल डजंट मैटर उनके अपने कलर की रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस वॉज ब्लैक और यहाँ तक आज की नस्ल हुई. स्काई कलर ब्लू कलर आया था ना मेरे भाई ब्लू कलर स्काई.